and all the respected good morning all of you. So we have completed successfully our 5 days of this CME. Now we are today in the concluding day. Today we will conclude this session with another two renowned persons. Now today we have Dr. Anup Nigvekar sir from Mumbai. Let me introduce you with sir. Sir is Professor in HOD of Repertory in M.L. Dhavale Memorial Institute, Palghar. He is Faculty of Basic and Advanced Teaching and Research Methodology, MUHS, Nasik. Since 29 years, sir is practicing homeopathy in Mumbai. He is PhD guide and published 10 papers. Sir is Principal Assessor of NABH Ayush. And sir is member of CCRH Committee for Creating NABH Homeopathic Standards. He is a member of Expert Committee of Homeopathic Insurance Packages under Ayushman Bharat Yojana. Sir has got Certificate of Excellence from IMCRBNQA for year 2014, 15, 2017, 19 and 2020 and awarded as Level 2 Qualitative Badge QIMPRO. I welcome you sir for this session and we thank you all, thank you for accepting our invitation. Now I would like to request our respected Vice President Vishal sir to welcome sir with a bouquet. Good morning, all of you. Today is the last day, CME. सर इतने बिजी शेड्यूल में चल रहे हैं अनुप सर एक तो बॉम्बे है और एक तो धवले कॉलेज में प्रोफेसर है आप लोग सब जानते हैं कि धवले होम्योपैथिक कॉलेज का नाम पूरे इंडिया में कितना रोशन है मालूम है सर खाली धवले कॉलेज नाम पढ़े तो समझ जाएगा कि वहां के जो लोग हैं डॉक्टर्स वो कितनी मेहनत करते हैं कितना आईक्यू होता है और होम्योपैथिक का विकास करने में कितना उसका सीम पड़ा है तो ऐसे बीच में अपने सीएमई के अंदर अनुप निवेक सर को इनवाइट किया सर ने अपना मान रख के इतना कीमती समय निकाल के बॉम्बे से आए तो साम्राज्य आरोग्य सेवा ट्रस्ट से आपका खूब खूब हार्दिक स्वागत है सर अपने जो सभी डॉक्टर्स है उसको अच्छा आज होम्योपैथिक के सब्जेक्ट के अंदर रेफरिंग में आपका जो भी अनुभव है वो आप शेयर कीजिए थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू थैंक यू सर सो आई रिक्वेस्ट अनुप सर टू कंटिन्यू विद दिस सेशन Till then, you all introduce yourself. Dr. Kamal Patidar, Assistant Professor, Palghar University, Vadodara. Dr. Jalpa Trivedi, Professor of Medical Department, Varanasi College, Sivasagar. Dr. Vishal Thakkar Mitra, Palghar Homeopathic Medical College, Varuna, Professor, HOD Laboratory Department. वर्तिका सिंह सीएलसी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ बिलासपुर
नमस्ते सर. डॉक्टर नेहा पटेल, प्रोफेसर एचओडी एट एजी सारदा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मेहसाणा. Good morning, sir. Myself, Dr. Disha Srotri. I am from Health Humanity Medical College and working as an assistant professor. Myself, Dr. Kankuna Sharma. I am currently working as assistant officer at the Repertory Department at Ananya College of Humanity. Gandhi. Good morning, sir. Dr. Dharul Ekpari, associate professor, Department of Repertory in Mahila Humanity Medical College, Dharul. बहुत सारे पावर कट्स निकल गए. वो कौन है? वो कितने हैं? वो भारत पूरे कब से जाएंगे? बस पावर कट्स निकल गए. बस चालू और सीएमडी में देखो पूरे भारतवर्ष में तुम्हें घूम रहा हूं, बहुत साल से घूम रहा हूं. इस कॉलेज में आने का शायद ये मेरा पहला मौका है. ये आरओटीपी सीएमडी का सबसे बड़ा मेरे हिसाब से एडवांटेज ये है कि हम हमारे फैकल्टी के लोगों से मिल सकते हैं. ये जो सब्जेक्ट मैटर है वो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जिन्होंने काम किया है, काफी सालों से काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से मिल सकता हूं. जो कुछ मैं करता हूं या जो भी मैं सीखता हूं वो मैं बांटते मिलता हूं. ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि ये आरोपी की सीएमए में मुझे बुलाया जाता है, बस मेरे को ये बांटने का मौका मिलता है. उसका लोगों को कितना लाभ होता है भगवान ने देखा, बट अनुभव बांटने में कोई बुरी बात नहीं. ये जो टॉपिक आज मुझे दिया गया है, यू नो, ये टॉपिक का रेपर्टरी के साथ फर्स्ट इंप्रेशन में रिश्ता है या नहीं है, ये आपका इंप्रेशन क्या है, ये मुझे सबसे पहले जानना है. ये डिफाइंड टॉपिक है आज का. इसका रेपर्टरी के साथ आर यू एबल टू क्रिएट एनी लॉजिक, आर यू एबल टू क्रिएट एनी अंडरस्टैंडिंग, आर यू एबल टू सी सम कनेक्शन, एनीथिंग, एंड नो आंसर इज रॉन्ग, प्लीज उस विषय का चिंता न करें कि उत्तर सही है या गलत है. बिकॉज लाइफ में कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं होता है, वो समय के लिए रॉन्ग हो सकता है, परमानेंटली रॉन्ग कुछ नहीं है. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सिमिलेटेड पेशेंट मैनेजमेंट प्रॉब्लम एंड बेड साइड डिलीज, इट्स अ सीएमई फॉर टीचर्स इन रिपर्टरी मॉड्यूल 2. तो आपके हिसाब से क्या होगा? जब कोई बात करता है तो कोई आपस में बात नहीं करेगा. बेसिकली मुझे वो बहुत खराब लगता है. अगर किसी को भी बात करनी है उस व्यक्ति का बात होने के बाद प्लीज स्टैंड अप एंड स्टार्ट टॉकिंग. डेफिनेटली इट हैज अ रिलेशन विद दिस टॉपिक. ओके, व्हाट योर टॉपिक वी आर डिस्कसिंग टुडे, इट हैज वेरी क्लोज रिलेशन विद रेपर्टरी. बिकॉज़ इफ वी से बेडसाइड क्लिनिक्स एंड पेशेंट मैनेजमेंट प्रॉब्लम, so we can learn when we see patients repertory more effectively.
like when patient is describing his complaint and then we can convert that symptoms, his version in the rubrics. This is the more effective learning, that we can say problem-based learning and bedside clinics. Definitely, this topic has very, very much deep relation with the repertory learning. What do you think I would be sharing then? Or what is it that you feel you would like to know, learn, understand, experience, explore? Kya ichha rakhte ho? Yes, please stand up and start talking, no problem. Sir, agar in general dekha jaye to ye jo topic aapko diya gaya hai wo homeopathy mein koi bhi subject ke liye uchit hai. टोटल होम्योपैथी में कोई भी सब्जेक्ट आ ऑर्गेनॉन के लिए भी सही है, रेपर्टरी के लिए भी सही है, कोई भी सब्जेक्ट. और अगर पर्टिकुलर में जाए कॉन्टेक्स्ट में तो बेड साइड क्लिनिक्स एंड मैनेजमेंट, अगर रेपर्टरी का ज्ञान हम उसमें डालें तो शायद ये बेहतरीन बन जाए पेशेंट के लिए, अपने लिए, रिजल्ट के लिए. तो मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक सारे सब्जेक्ट में होना चाहिए, वॉट एवर इट में भी सही ऑन ऑर्गेनॉन रेपर्टरी मटेरियल मेडिका. और मैं तो समझता हूँ कि उसके लिए ये टॉपिक के लिए यू आर द परफेक्ट मैन हियर बिकॉज आई नो यू वेरी वेल. थैंक यू. आप योर स्टूडेंट्स और योर टीचर्स और इंटर्न्स और समझाने की कोशिश चल रही है हम किसी केस को कैसे मैनेज करेंगे, किसी पेशेंट को कैसे डील करेंगे, किस तरह से हम केस तक जाएंगे, इस केस से हमें क्या आउटकम मिलने वाला है, पेशेंट्स को जो चीज हम जिस चीज का जिस कंप्लेंट से हमारे पास पेशेंट आ रहा है इट में भी एक्यूट और क्रॉनिक किसी भी चीज का हो सकता है, तो उस केस का प्रॉपर मैनेजमेंट. और हम ये सिर्फ ओपीडी के साथ में बेड साइड पर हम आईपीडी की बात करेंगे तो हमें डे टू डे में क्या ऑब्जर्वेशन है ये आप स्टूडेंट्स को कहना चाहते हो कि इस प्रोसेस से हम आपको ये ज्ञान बांटना चाहते हैं. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि द स्टूडेंट विल लर्न, देयर इज अ पॉसिबिलिटी स्टूडेंट विल नॉट लर्न. ही विल लर्न व्हाट ही वांट्स टू लर्न, द टीचर विल वांट टू टेल व्हाट ही वांट्स टू टेल. And the end of the day, you don't know what the student learns. You know, I was just discussing today morning with Akbar while we were coming over here. You know, very simple thing.
मैंने आपको 10 रुपए दिए, आपको आपके बच्चे को मैरिड चाइल्ड है, कितना उम्र है? आप जरा उधर मुझे स्टैंड अप प्लीज। ओके सर, के पास एक 2 साल का बच्चा है उनका, अभी इनके साथ कुछ ये करते हैं। ही हैज टू टीच हिज सन बेबी गर्ल सब्ट्रैक्शन। कैन ही टीच अ 2-year-old सब्ट्रैक्शन? आपको क्या लगता है, आपके आपने अनुभव किया है? I don't think so. Mind is that much developed that she can understand subtraction. Okay. Yeah. So if she don't know this, what is this? So I think so. Yeah. I am seeing so many patients. So many children may be there, obviously in life. So many parents are there. तो हर माँबाप का एक अपना अनुभव होता है कि बच्चा सीखता है कि नहीं सीखता है, और किस उम्र में सीखना चालू करता है, और माँ बाप को कौन से उम्र में सिखाना चालू करना है। माँ बाप को भी सिखाते हैं ना बच्चों को, कुछ ज्यादा ही सिखाते आज के जमाने में। हमारे पिताजी जो बोलते थे हम चुपचाप करते थे, आज हमारा बेटा हमको पूछते हैं क्यों करूं भाई तू जो बोले वो। हमारे पिताजी माताजी बोलते थे बड़ा है उसका पैर छू ले, हमारा बेटा मुझे पूछता है क्यों सबके पैर छू। आंसर है हर चीज के लिए आज के जमाने में लॉजिक है, और पूछता ही है बच्चा, और जब तक पूछेगा ना तब तक सीखेगा, पूछना बंद करेगा तो गया काम से। तो इंक्विजिटिवनेस ऑफ द चाइल्ड, इट इज स्टेटेड इन स्टडी कि द चाइल्ड लर्न्स द मोस्ट इन हिज लाइफ बाय द एज ऑफ 5 years। फ्रॉम 5 years ऑनवर्ड्स टिल ही डाइज He goes on applying that knowledge. So, साहब आपके पास सिर्फ 3 साल बचे हैं। जितना भी वो बच्चे के आपकी बेटी के दिमाग में ग्रे सेल व्हाइट सेल बढ़ा रहे हैं ना आपको, आप अगले 3 साल में लगातार कोशिश में रहना, वो बच्चे की जिंदगी सुधर जाएगी। बच्चे 3 साल है, ऑल योर लाइफ प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू वॉन्ट टू टीच मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज beyond 7 years of age you can't teach it. हम सुन सुन के भाषा सीखते हैं जैसे उम्र बढ़ती है, मगर वो सुन के भाषा सीखने की कला कब सीखते हैं? उस उम्र में। उसके बाद सिर्फ ये हम आगे 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 करते जाते हैं। तो आज सुबह मैं अकबर को पूछ रहा था कि उसका बच्चा थोड़ा बड़ा है, थोड़ा आपकी बच्ची को हम बड़ा कर लेते, चलो 5 साल की करते। 5 साल की बच्ची को आप सब्ट्रैक्शन सिखाते हो क्या, सिखा सकते हो क्या? तो मैंने पूछा, मैंने तेरे को 10 रुपए दिए, उससे तुझे मुझे सब्ट्रैक्शन सिखाना है बच्चे, तो कैसे करोगे? मैंने आपको 10 रुपए दिए, 2 रुपए के आपको काफी आपने खाई, आपके पास इतने पैसे बचे। You have twisted the answer a little more than what I had tested it for. But it's very interesting. कितने बच्चे? अरे whatever. Suppose he is your, you are his child and he is your father. ये father ने आपको बोला देख मैंने तेरे को 10 रुपए दिए, तो जो रुपए की चॉकलेट खा गया, अभी बच्चे कितने? 8। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? Subtraction. The child may not know the language of subtraction, but indirectly he is learning. Similarly, you start teaching concepts. Ask, teach people to think. Don't teach people to follow. बच्चे को मछली पकड़ना सिखा दो, मछली पकड़ के दो मत, you know that's what it is said. Because वो पकड़ने की जो आदत लगेगी ना, उसका दिमाग चलता रहेगा,
the whole process that I am trying to share in the next whatever time I have is how to apply a concept in the subject in which you are a teacher. The concepts can really very big. सपोज मैंने ये 10 रुपए के एग्जाम्पल को रेपर्टरी में बच्चे को खींचना है तो कहां कहां इसको अप्लाई कर सकते हो रेपर्टरी एज अ सब्जेक्ट में 10 - 2 = 8 ये रेपर्टरी एज अ सब्जेक्ट में कहां कहां यूज कर सकते हो रेपर्टराइजेशन में टोटल एडिशन एलिमिनेशन मेथड्स वो भी सब्ट्रैक्शन हो गया ना ये रूब्रिक में ये रेमेडी नहीं है तो ये रेमेडी डिलीट Delete is equal to subtraction. So you are teaching one simple concept once upon a time as a child. The child becomes a doctor. He goes on applying that concept, which is called subtraction. He will never make a mistake of 10 - 2 = 12. He will always say 8 because somewhere, sometime in his life, he was taught that concept. That I would like to share with you. You know, various learning, teaching learning processes. You know, I am sure at the start of this ROTP CME, you may have been shared with the various processes that are there. But let me try and take you through the levels at which the processes are utilized by us. And how they can be of benefit to us as teachers. That is one basic thing I would like to convey with all of you. The second thing, basics of simulated patient management. You know what it is that demonstrates simulation? You know, anyone has any experience of what is simulation-based training? Anyone? Simulation-based training kaha pe ki jati hai, kyun ki jati hai? मेरे जमाने में मुझे एक ड्राइविंग स्कूल वाले ने एक ड्राइवर के साथ कार दी थी और बोला था इनके साथ बैठ जाओ चलाओ गाड़ी और सिमुलेशन करता हूँ ये दोनों में क्या फर्क है main power is with the person who is already knowing it. Yes. The other is learning. Learning. Okay. Okay. What else? That is realistic and that is the you create that environment that you are like driving, but it is not real. Where? In simulation. In simulation. So it is not real. It is unreal. But you get a feel as if you are in real. ऐसा क्यों करवाते हैं? To get acquainted, get oriented. किधर क्या चीजें भी समझ में आ जाएगी आपके ओके और मोल्डिंग है सॉरी टू मोल्ड इट सिमुलेट जो करता है सर वो जो लर्नर है उसको अकॉर्डिंगली मोल्ड करता है उसके बाउंड्रीज के साथ ओके ड्यूरिंग दैट डिफिकल्टीज भी पता चलती है डिफिकल्टीज भी पता चलती है सो व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग इट यू नो हाउ टू हैंडल करेक्ट अगर हवाई जहाज का पायलट सीधा प्लेन लेके चढ़ जाए तो कुछ करोड़ों रुपए का नुकसान जान भी जाएगी थियरी और प्रैक्टिकल को कोरिलेट करने का भी मौका मिलेगा थियरी और प्रैक्टिकल को कोरिलेट करने का मौका मिलता है एक डॉक्यूमेंट्री था फाइटर पायलट ट्रेनिंग का तो वो सिमुलेशन उतना बार करवाते हैं कि उसके दिमाग में बैठ जाए इंस्टेंटेनियस इट शुड बी अ लाइन ऑफ आयरन विच कैन नॉट बी इरेस्ट सर लर्नर को नहीं पता चलता है कि मैं किस किस पॉइंट पे मिस्टेक कर रहा हूँ वो स्पेसिफिक मिस्टेक्स को सुधार सकता है एक एग्जांपल है मूवी में आलिया भट्ट वाला उसमें जिसको इतना टैलेंट आपके आसपास कैमरा पे बहुत सारी चीजें या किसी को मालूम है आलिया भट्ट का कौन सा मूवी था वो सर मासी मासी राजी यू नो इट हेल्प्स नाउ यू हैव टू थिंक
इसको रेपर्टरी सिखाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे कैसे सिनारियोस, कैसे कैसे सिचुएशंस, कैसे कैसे तरीके से बच्चे को मैं रेपर्टरी सिखा सकता हूं यूजिंग सिमुलेशन, इज एन एफर्ट दैट आई विल ट्राई टू डू इन दिस सेशन। बेड साइड क्लिनिक्स, टिपिकली हम लोग बेड साइड क्लिनिक यूजी स्कूल प्रोग्राम में कौन से साल बच्चा हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में बच्चे को हम सिखाना चालू करते हैं बेड साइड्स। वो बेड साइड कैसे सिखाई जाती है उसका भी अलग अलग तरीका होता है। मैं पीजी फैकल्टी हूं तो मैं पीजी में हवा लेता हूं, पीजी की बेड साइड में हवा लेता हूं, एक कॉलेज में चला गया, तो कॉलेज में गया, बोला ये पेशेंट एडमिटेड है, उसे क्या है, मुझे बुखार है, तो बुखार चेक किया है, मैंने किया है, कब किया है, यस्टरडे एट व्हाट टाइम, 10 o'clock इन द नाइट, व्हाट वाज द फीवर, 101, व्हाट इज द फीवर नाउ, आई डोंट नो, भाईवा चल रही है भैया, एंड एग्जामिनर इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, यू आर एडमिटेड अ पेशेंट हु इज हैविंग फीवर, एंड द कैंडिडेट इज टेलिंग मी कि आई डोंट नो व्हाट इज द फीवर नाउ, आई सेड ओके, व्हाट विल यू डू, फेल, फेल, यस, वन वेरी गुड थिंग यू कैन डू, या ओके, सेकेंड, सो यू गिव द कैंडिडेट अ चांस टू गो एंड डू समथिंग, go and check the paper, okay, what else you can do? Ask why not taken. I was, why not taken? The okay. History is why not complete. Okay, why it's not complete, okay, so the third thing, what else can you give a chance to the child? Ito bache ko fail kar rahe hai, usko khatam kar rahe hai, career. After making him go, when he come back, I can make him learn the importance of failing. Achha, toh paiva bhi tuition dogi. टीचर एक्चुअली डू दिस व्हेन यू टेक अ वाइवा, तभी तो मूड है ना, मार दू के छोड़ दू, और कोई मूड रहना ही नहीं है, बच्चे ने मूड ठीक ठाक किया गया, बच्चा निकल गया, लेवल ऑफ द मिस्टेक विल ऑल्सो डिसाइड. Yeah, fine, but I am asking, what is it that he has? अरे वो किया ना भैया, उसने पूछा ना why? Teacher, मतलब उसको वैसा training मिलना चाहिए ना कि ये सब देखो सारी चीजें सीधा लेके आ रहा है, fever है तो fever के चालू किस तरह से करना चाहिए, अरे मतलब अरे भैया मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप चांस दे रहे हो ना, आपने अलग अलग चांस है, हमारे पास पहला चांस था उसको खेल लो, दूसरा चांस था वो जा भैया वो चांस ले गया, तीसरा चांस था तूने ऐसा क्यों नहीं किया बता मुझे, और क्या ऑप्शन हो सकता है, और क्या देखा एग्जामिनेशन में क्या, अरे यार फीवर की बात चल रही है ना, बाहर भी इसकी तो वादे लगे हैं, इसलिए फीवर लेने के वादे हैं, फीवर दिखाने के वादे हैं, तू और उसको एग्जामिन कर, सॉरी पिछला टेम्परेचर कम लिया, वो तो चार्ट देखने गया था, वो तो रात को 10 बजे के बाद, तो उसको मालूम ही नहीं बुखार है कि नहीं है, अरे यार वो वाइवा के टाइम पे तू ये थोड़ी सोचता है कोई मास्टर, अरे हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ, चलो बुखार वाला पेशेंट है, बुखार छोड़ दो बाकी की बात बता, अरे यार पेशेंट क्या वाइवा किस चीज की, उसका ये मुद्दे को बाजू में हटा के बाकी उसका बाकी फैमिली हिस्ट्री बताओ मेरे को, होम्योपैथिक डॉक्टर हो ना, बुखार क्या चीज है, नहीं मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप उसकी उसको कटघरे में खड़ा कर सकते हो, उसको चोर बना के उसको कटघरे में बना के उसको बराबर उसका लेफ्ट राइट ले सकते हो, मैं पूछता हूँ उसको क्या ऑप्शन दोगे, व्हाट ऑप्शंस कैन यू गिव हिम, वन you say you go and get the chart. Yeah, you will take abhi presently bhi kya temperature hai wo bataiye mujhe. Abhi yes. Abhi aapne nahi diya hai, abhi kitna temperature hai bhi dekh lijiye aap. To bacche ko laga yaar master ne meri jaan bachayi. Barabar hai? Bacha, sir, 2 minute.
गया थर्मोमीटर लेके आया भाई हुआ चल रही है क्या करोगे आपने बोला टेम्परेचर देखो लगा दिया उसका थर्मोमीटर तुमने जो बोला उसको किया यू नो दैट इज वेयर दिस होल कंसेप्ट ऑफ वेडसाइड कम्स नाउ वेदर इन होम्योपैथी एंड इन रेपर्टरी वेदर वेडसाइड लेना मतलब क्या बच्चा सेकेंड ईयर में आता है ना बच्चा सेकेंड ईयर में आता है तो आपको रेपर्टरी कब सिखाते हो फाइनल ईयर में थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वॉट एवर वो सेकेंड ईयर में बच्चा आता है उसको तो बेसिक सीखता है जब तक रेपर्टरी आती है तब तक वो पंडित होना चाहिए ये तो रेपर्टरी तो कोई खोल आया वगैरह तो खोलता नहीं है ना रेपर्टरी तो खोलने वाली चीज भी नहीं होती है बहुत सारे लोगों को पेशेंट देखा आई सॉ द पेशेंट एंड आई गेव द प्रिस्क्रिप्शन एंड ही नेवर लुक बैक अगेन मैंने वो भाग गया कि ठीक हो गया भगवान को माना एज फार एज माई रिकॉर्ड इज कंसर्न पेशेंट वॉज नाइस ही वॉज रिलीव्ड ही वॉज क्योर वापिस ने मतलब ठीक ही था मैं क्यों मेरे मुंह से बोलू कि साला खराब हो गया यू नो दिस इज समथिंग दैट वी विल ट्राई एंड लर्न एंड दिस इज समथिंग दैट वी विश वी आर एबल टू become as a starting point for a teacher. It's a very basic and a very fundamental starting point for any teacher. Please relate with your student as if you are a senior student. इस attitude से आप student से रिश्ता बनाओगे तो बहुत सारे लाइफ के इश्यूज एज अ टीचर एंड अ स्टूडेंट विल वैनिश इट विल वैनिश दैट डज नॉट मीन कि तुम उसका फ्रेंड बन जाओ इट्स अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट यू आर अ सीनियर स्टूडेंट यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ दिस व्हेन इट कम्स टू टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप एंड व्हेन यू आर टीचिंग समवन यू आर हेल्पिंग समवन That also does not mean don't be friendly with your students. You can be friendly. There are teachers who have that reputation of being very friendly with their students. It's not a bad thing at all. It is a necessary thing for a lot of us. But as a part of learning process, please have this basic attitude of being a senior students. You know, we have this concept that goes further. You know, why do you want to teach? You know, basically all of us want to teach because we want to share knowledge, skill and attitude. उसको पूछना है तूने फिगर क्यों नहीं देखा? उसको पूछना है तूने फिगर लास्ट कब देखा? तू अभी दिखा? You are trying to test him for his knowledge, skill and attitude. And you are observing. So what you do for a third year, you will not do the same thing for the fourth year. You will not do the same thing for an intern. Your level of asking, seeking will go up, maybe more and more difficult as the thing goes up. Now, how do you start looking at this? It's a very simple thing. जब तक वार्ड में है, ऑपरेशन थिएटर में है, ओपीडीज में है, कम्युनिटी क्लिनिक में है, the teacher and the student is very active. The moment you enter a classroom, very low. Student पहले बेंच पे सो सकता है, student last bench पे सो सकता है. सोने के लिए तो कोई restriction नहीं है. बराबर है ना? हीरे? Yes. You can't control everything who is sleeping. You can, he just sleeps. Because there is no activity. एक classroom में बच्चा This interest होता है इस सो जाता है बिकॉज देर इज नो एक्टिविटी एंड दिस इज समथिंग दैट स्टार्ट्स टू बी चेंज इन अ क्लासरूम टीचिंग बाय ऑल द टीचर्स एंड मोर सो टीचर्स ऑफ रिपोर्टिंग नो वाई दिस इज इंपॉर्टेंट आई कम टू दैट इन यू यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर गिविंग द लेक्चर एंड देन यू कैन एक्चुअली ब्रिंग दैट
यू नो यू हैव अ बिग क्राउड, आज भी एक बड़ा क्राउड बैठा है मेरे सामने, मैं कुछ बोले जा रहा हूं, आई एम सिंपली ट्रांसफरिंग नॉलेज. So I'm simply transferring the knowledge, I'm simply transferring ideas and concepts. But अगर मैं ये कोशिश करूं, लाइक मैंने 10 rupees का एग्जाम्पल था कि इनके बच्चे को खड़ा कर दिया, चार लोग चौकने हो गए कि भाई अब ये क्या करने वाला है, मैंने बाद में कोई बात नहीं की, मगर अटेंशन तो मैंने सीख कर लिया. ये टारगेट था मेरा, मेरा सब्ट्रैक्शन सिखाने का टारगेट नहीं था, ये कॉन्सेप्ट सिखाने का टारगेट था, वो तो सिखा लिया मैंने. नाउ दिस इज समथिंग द लेक्चरर हैज टू ब्रिंग टू दिस टेबल इन हिज क्लासरूम, अदरवाइज वी विल फाइंड पीपल जस्ट स्लीपिंग ऑफ टू ग्लोरी. हाउ दिस कैन बी डन, हाउ दिस कैन बी, ऑल ऑफ अस कैन डेफिनेटली ट्राई and bringing some examples. Example could be anything. It could be anything. Any example of life can help you gain the attention of it. The example may not have direct relevance to the topic, but if you get the attention, you can push something further. Give lecture slides. Please do it. मैं भारतवर्ष में जहां जहां प्रेजेंटेशन करता हूं ना, सब दुनिया मेरे पीछे पड़ती है, सब आपका प्रेजेंटेशन देते, मैं दे देता हूं तो लोग मुझे बोलते हैं उल्लू है, इतना मेहनत करके पीपीटी बनाता है तो ऐसे बांटे जा रहा है सबको. मतलब पीपीटी बांटी है ना, मेरा दिमाग थोड़ी बांटा है. वो जो छाप के आया है, वो जो पढ़ेगा वो उसके हिसाब से बोलेगा, वो मेरे हिसाब से थोड़ी बोलेगा, शायद उसको समझेगा भी नहीं कि सर ये पीपीटी में क्या बोलना चाहिए था मुझे. तो गिव इट ऑफ. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट इज दैट इट हेल्प्स पीपल टू फिक्स देयर माइंड्स. आप कहीं भी सेमिनार्स में जाओ, आपको हैंडआउट्स मिलते हैं जिसमें पावर पॉइंट ऑलरेडी प्रिंटेड छापे हुए रहते हैं, एंड देयर इज अ नोट प्रोविजन, साइड में आपको कुछ लिखना है आप लिख सकते हो. आपके ड्यूरिंग नॉर्मल लेक्चर्स जस्ट गिव इट ऑफ, गिव द चाइल्ड. पेपर के बहाने बच्चे का अटेंशन मेंटेन रहता है, क्योंकि मास्टर जो स्लाइड दिखा रहा है वो वही पन्ना मैंने खोला कि नहीं खोला. द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज यू कैन आस्क सम क्वेश्चंस एंड अटेंशन स्पैन्स विच इज नॉर्मल इनफ. बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मास्टर कोई भी पूछ सकता है, पूछता ही है, उसमें मास्टर को भी खुशी मिलती है कि मैंने बच्चे को परेशान किया, मैंने उसको नींद हराम की, उसका अटेंशन एक्चुअली सीख किया, और जो मैंने सिखाया वो सीखा के लिए वो भी चेक कर लिया. यू नो देयर आर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स. आपने ऑब्जेक्टिव का भी सेशन हो गया होगा ना यहाँ पे, देयर आर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स. सो देयर आर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स विद अ सिंगल स्मॉल action of asking the question. You go into a seminar mode, it's a larger version of lecturing. But what happens over here, in a seminar when you go, in a lecture and vis-a-vis a seminar, the speaker asks the audience, if you have any questions, please ask me. If you have any questions, you ask me. When you are teacher in the classroom, you are asking the questions. We do ask the students to ask questions, but we wish that student doesn't ask the question. Dino din pe meri khwahish rehti hai ki koi bhi student mujhe question na puche. Magar bolne ke liye main question puchta hu. Aapki any student who has not understood, please ask me some question. एक वायवा लेने गया, वायवा लेने में मेरा जो को एग्जामिनर था वो बैठा, स्टूडेंट आया, स्टूडेंट को पूछा टेल मी समथिंग अबाउट कैंसर. एमडी की वायवा है तो
बच्चे को सब कुछ आना चाहिए. तो जस्ट ओपन कैनवास, जस्ट टेल मी, ए हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम एमडी इन होम्योपैथी. इंटर्न्स इंटेंशन वाले कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करो यार, ऐसा ऊपर करो तो मेरे को दो चार हाथ तो दिखे. अरे बाप रे, इतने तो होना है. वेरी नाइस. ये मैं अभी क्वेश्चन आंसर कर रहा हूं, याद रखना. टेल मी समथिंग अबाउट के क्या क्या बोलेगा. यस एनीवन, मैंने ऐसा एक, मैं एग्जामिनर हूं, आप स्टूडेंट हो, मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा, टेल मी समथिंग अबाउट केंट. क्या आंसर देने का तेरे को? कितना भी बोलो कम पड़ेगा. कितना भी बोलो कम पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, अर्थी नहीं है वो क्वेश्चन में. वो स्टूडेंट इतना तगड़ा निकला, उसने मास्टर को पूछा, सर व्हाट यू वांट टू नो अबाउट केंट. चलिए मेरे सामने तो एग्जामिनर है, आपने अपने एग्जाम लिए, ऐसी मत लेना ना. टॉक समथिंग अबाउट हिज वाइफ. दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फैंटास्टिक. सेम आंसर बच्चे ने दिया, मुझे स्टूडेंट भी दिया. ओके, टॉक समथिंग अबाउट हिज थर्ड वाइफ. Sir, like this, we asking questions also, writing detail about the Kent Kakutti. Correct. It's a 20 mark question. I mean, शुरू किधर करने को और खत्म किधर करने को और कितने पन्ने में लिखने को और क्या लिखने का कि सामने वाला सदा मेरे को 20 में से 18 तो दे, 10 तो दे, कम से कम 50 का पासिंग है. वो जरा बच्चा भुजा भुजा के परेशान होता है, मेरे से क्या ऐसी गिर जाएगी बारा. English. जो नहीं लिखा होगा उसी के लिए मार्क्स नहीं मिलेगा. करेक्ट, बिकॉज हम वही सोच के बैठे. बराबर है. सुबह इसको मैं बोल रहा हूँ, द वाइवा इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट द टीचर नोज rather than what the student should be assessed for. Yes, correct. मुझे ये चीज मालूम है, बस उसके पिछवाड़े में रहूंगा. मैं इसको एग्जाम्पल दे रहा था, अभी 5 दिन पहले मेरे डिपार्टमेंट में वाइवा हुई, दो एग्जामिनर आए. कैंडिडेट ने कालिका एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कालिका पैथोफिजियोलॉजी इन केम्स रेपर्टरी रिप्रेजेंटेशन इन माइंड एंड बॉडी. हाँ, ऐसा डिसर्टेशन का टॉपिक था. एग्जामिनर को टॉपिक नहीं समझा, बराबर है. एग्जामिनर बैठा वाइवा लेने के लिए, बच्चा उसका पावर पॉइंट पढ़ाया जा रहा है. बच्चे ने शुरुआत कहां से की? बच्चे ने बेसिक काली कार्बिस पोटेशियम यानी केमिस्ट्री से स्टार्ट किया. केमिस्ट्री से स्टार्ट किया, फिर वहां से वो फिजियोलॉजी पे गया, फिजियोलॉजी से एनाटॉमिकल इंपैक्ट पे गया, एनाटॉमिकल इंपैक्ट से उसकी पैथोफिजियोलॉजी पे जा रहा है बच्चा. वो अपने स्लाइड शो दिखाया जा रहा है, ये मास्टर खड़ा होता है, वो तुमने जो साइटेशन का नंबर लिखा है ना वो गलत लिखा है. वाइवा चल रही है, तुमने साइटेशन का नंबर जो लिखा है वो गलत लिखा है. बच्चा क्या सिखा रहा है? पूरा सिखा रहा है कि उसने क्या मेहनत किया है. वो मास्टर घुस गया उधर, एंड द वाइवा वाज कंडक्टेड फॉर 10 मिनट्स ऑन हाउ टू राइट द साइटेशन नंबर. बट वेयर ऑन द स्लाइड शो इज द वाइवा? वो तो डिसर्टेशन का मामला है भैया. वो मास्टर वाज माहिर इन दैट. यस मैम, वुड लाइक टू शेयर प्लीज जस्ट अ लाइन इन दिस. This also happens especially in the BG vivas, and the candidate was stuck with, suppose my name is Disha Thakkar Mitra, so why two surname? And the viva was on that finally. Then how come, what is the proof that you are the same individual? And half an hour the topic was, and you become nervous even if you are a PG student, because you know things are there but you don't have with you to prove, to explain, because you're not prepared for. ये हो सकता है, होता है सर. अलाइनमेंट के ऊपर होता है कि आपका अलाइनमेंट इतना 1.15 का होना चाहिए, आपने अलाइनमेंट इतना क्यों नहीं लिया. ये लेटर कैपिटल होना चाहिए, आपने स्मॉल क्यों रखा है, फर्स्ट लेटर को बोल्ड क्यों नहीं किया,
इवन अगर हम केस रिपोर्टर से केस को रिपोर्टराइज करते हैं तो मेरे कॉलेज में रूल है कि रूब्रिक कैपिट जैसे केस में लिखा हुआ सेम स्टैंडर्ड रूब्रिक का प्रेजेंटेशन हो। वैसे नहीं लिखा बच्चा तो क्या करोगे उसका? कुछ नहीं, तो आता तो है। यू नो दिस इज वेयर वी गेट स्टक एंड यू नो वी स्टार्टेड ऑफ विद द इश्यू ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस इन अ लेक्चर vis-a-vis in a seminar. Now this process goes up and we go into a higher level. Now this is where we now come to the process of learning the topics. Problem based learning. I thought PBL kiya hoga yahan pe? Session hua hai yahan pe? Very very important, very very essential, very very 5-star mark situation in today's world. Because the new education policy is demanding that you will get your students' skill and the competency marked. Skill and competency ki marking is something that the new national education policy is demanding. Abhi main aapko ek question poochta hu sir. Ye maine subah hi uska tuition liya. Aap रेपोट्री के टीचर हो, आप रेपोट्री का आपके पास सिलेबस है, कितना घंटा आपको पढ़ाने का परमिशन है? 100 hours फाइनल ईयर में 100 hours। अच्छा, आप क्या सिखाते हो 100 hours में, वो डिफाइंड है? नहीं है, लार्जर उसमें है, लार्जर उसमें है। अच्छा, वो 100 hours को कैसे इस्तेमाल करने का, टू डू दैट लार्जर इनटू स्टूडेंट के कंपनी के अंदर जाए, ऐसा लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा है। डिपेंड्स ऑन टीचर, अभी डिपेंड्स ऑन टीचर। अगर टीचर दो सरनेम पे घुसा, एक नंबर पे घुसा, फॉन्ट साइज पे घुसा, लाइन स्पेस पे घुस गया, तो पूरे जो करिकुलम है वो 100 घंटा वही सिखाएगा। मेरा एक मास्टर था मटेरियल का, मैं जब कॉलेज में था, that old man used to bring lycopodium and every day, every time for 6 months he used to bring that lycopodium. वो प्लांट लेके आता था, प्लास्टिक से निकालता था, हमको दिखाता था, प्लास्टिक में रखता था, एक मटेरियल तरीका से लाइकोपोडियम अत से इति तक सुनाता था और हम सब शांति से सो जाते थे। 6 महीना उसने हमको लाइकोपोडियम इस तरह से टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे ऐसा सिखा है, मैंने सीखा था, बट वो बच्चे का स्किल एंड कॉम्पिटेंसी डेवलप हुआ क्या, ये कहीं भी डिफाइन नहीं है। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, व्हाई इन अ वाइवा, व्हाई इन अ बेडसाइड, व्हाई इन अ सिमुलेटेड ट्रेनिंग वी आर नॉट एबल टू मेक एनी जजमेंट। आई विल डेमोन्स्ट्रेट दैट एंड दैट्स अ रियल वे things need to be changed. And problem-based learning as a process helps us because it develops certain communication skills, teamwork, problem-solving mind, independent responsibility of learning, sharing information, and respect for others. You know, all this I will demonstrate. All of this. This is used as a trigger. I give you a problem, you start thinking, I am now giving you a problem, so please start thinking. Yes, interns, you can see the slide. I am giving you a problem now. What is it that you are seeing? What is it that you are seeing? Sugar. Sugar? Sugar level finance. What's the second one is HbA1c. What's the first example? Time or range. This range is for the curve quality. Barabar hai? So there are two graphs. One graph is talking of estimated average glucose and the other graph is talking of HbA1c.
क्या दिखा रहा है वो ग्राफ आपको? What is the graph telling you? टाइम के अकॉर्डिंगली उसका शुगर लेवल कितना था? ओके, तो व्हाट टाइम उसका शुगर लेवल कितना था वो बता रहा है ग्राफ। वो जो डिफरेंशियल है वो ग्राफ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। इसका ड्यूरेशन कितना है? कितने ड्यूरेशन का ये ग्राफ है? It is 28 May 21. It started on 13th October 1992 to 28 May 21. So approximately कितने साल का डेटा है ये? 2 years. Approximately 2 साल का पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज का डेटा है। उससे हम क्या सीखते हैं? You know, you are taking a process. पहले हमने define किया कि क्या देख रहे हैं, फिर दूसरा देख रहे, सोच रहे हैं कि जो देख रहे हैं वो क्या चीज है, फिर उसके आगे थर्ड स्टेप मार रहे हैं। अभी थर्ड स्टेप आपको ये बोलनी है कि इससे आपको क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं। बिफोर ट्रीटमेंट जब हमने चालू किया था इसका शुगर लेवल इतना था, हाँ, एट द टाइम ऑफ मैंने इस समय कंटिन्यू रखा 2 इयर्स में उसका शुगर लेवल लास्ट में आउटकम मेरा ये नीचे शुगर लेवल चालू किया था एंड रिजल्ट मेरा आज की डेट में चाहिए। ओके, ये एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। और क्या ऑब्जर्वेशन? फ्लक्चुएशन कहाँ कहाँ पे? तो उसका आपके माइंड में कौन सा क्वेश्चन पैदा होता है? ये जब आप ये ग्राफ देखते हो, आप देखते हो कि ये 2 साल का डेटा है। 2 साल में जब स्टार्टिंग पॉइंट था वो हाई था, 2 साल में आज जब मैं पेशेंट देख रहा हूँ बॉटम पॉइंट लो है, बट उसमें बीच में एक पॉइंट पेशेंट का हाई चला गया। So what is it that is thinking what are the factors? Okay, what could be the factors? Patient ki lifestyle, okay. Diet, okay. Stress. Yeah, lifestyle is taking care of it. Medicines ka kuch changes hua hai. No, these are the processes that start. These are the processes that the student starts thinking. He goes from different stages and then he goes from simple observation where he sees ki kaun kis cheez ka hai, se ye kis cheez se hua hoga. So you start from simple observation to go to a process of analysis and then you say ki I am deciding on the next step of action. So ye process problem-based learning mein actually implement hota hai. And this becomes a precursor for simulation and websites. Because this is something that we need to look at. You know, we do this clinical tutorial. We all do it. All we do this just to help students to follow a process. वो process से student गुजरना चाहिए, उसको basic, उसके steps समझने चाहिए, उसको वो स्टेप समझने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन क्या करना है वो नेक्स्ट स्टेप है। जैसे प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का ये हायर लेवल होता है। यू स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी सिंपल थिंग एंड देन यू स्टार्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग द व्हाई ऑफ दैट। नाउ दिस प्रोसेस वी विल जस्ट हैव अ लुक एट इट।
all of you please watch this video. Please make your observations of what you are watching, and please we will discuss what you are observing after the video is over. Demonstrate the thyroid exam. The key to the thyroid exam is knowing the anatomy. So if you follow along with me and put your finger on the tip of your chin, on the mentalis muscle, and then slide your finger down the midline, the first hard structure you hit will be the thyroid cartilage, or the Adam's apple. You're actually going over the hyoid bone, but you generally don't feel it very clearly in the midline. So the first thing you hit is the top of the thyroid cartilage. Slide your finger down the edge of the thyroid cartilage, like the prow of a ship, and you will next hit the cricoid cartilage, and this is the cricothyroid membrane, and then below the cricoid cartilage will be the first two rings of the trachea. It's important to know this anatomy because the thyroid gland does not really lie anywhere near the thyroid cartilage, despite the name. The exam is best done by getting behind the patient, and once again, using my anatomy, finding the thyroid cartilage, the cricoid cartilage, the first two rings of the trachea. I then put my fingers in the midline over the first two rings of the trachea. That's where the isthmus of the thyroid lies. I then flatten my fingers. It's almost as though I'm trying to choke the patient. And I slide my fingers slightly to the side. And now I ask the patient to swallow. And I'm concentrating on whether one set of fingers went up disproportionately compared to the other. Once I've done that a couple of times, I can then push the thyroid gland over with one hand and palpate the lobes with the other hand, and then do the same thing this way. Don't forget while you're at it to do a complete lymph node exam, and also to look at the hand to see if it's sweaty and if there is a fine tremor. The preceding program is copyrighted by the Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University. Okay. You all watched it? You know, what would you like to say of what you watched? Yeah, anyone can stand and see. How to do? How to perform the exam with the direct lens. How to examine the thyroid examination. So what all things did he do? First washed his hands. Sanitize his hands, yes. Patient से वो क्या कर रहा है उसका explanation दिया उसने और क्या कर रहा था वो demonstrate कर रहा था और क्या किस तरह से demonstrate कर रहा है किस तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है टू वेज मतलब क्या सर ओके उससे वो क्या कहना चाहता था उसने पहले सामने से किया फिर आपको साइड से दिखाया मेथड क्या सिखाना चाहता था स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो ऑल ओवर एक्सेप्ट किया
स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑल ओवर एक्सेप्ट में क्या कहना चाह रहे हम तो एग्जाम इन थायराइड ये बहुत वीडियो वॉज ऑफ दैट लोब्स का इनलार्जमेंट उसका प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बाय विच मेथड वॉज ही ट्राइंग टू डू इट पाल्पेशन सो ही वॉज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट इट थ्रू पाल्पेशन एंड देन हाउ डिड ही क्लोज द होल प्रोसेस कर रहा था डॉक्टर जिस तरह से वो कर रहा था उसने क्लोजर कैसे किया इस सब्जेक्ट क्लोजर कैसे किया उसने थायराइड को तो कर लिया उसने फिर वो क्लोज कैसे किया उसने उसके पहले क्या किया सराउंडिंग लिम्फ नोड को चेक किया उसने फिर क्या किया उसने नहीं व्हाट इज इट दैट आई एम ट्राइंग टू डू विद यू ऑल आप ये सब आपके स्टूडेंट्स के साथ करते हो और एम ए स्टूडेंट को बोलते नहीं बताऊंगा जा टीचर हो गए जो चाहिए कर सकते हैं जैसे मैंने अभी किया यू नो ही एंड्स अप शोइंग टेलिंग अस कि प्लीज सी द पाइन ट्रेमर्स चेक वेदर द पाम्स आर स्वेटिंग व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू And tell us. He is trying to tell us that if you are examining the thyroid, then you have to check whether there are any other signs and symptoms that are associated with the thyroid. He doesn't look only at the level of inspection. Okay, now we all are homeopathic teachers. You all have experiences in life. You are expected to demonstrate this to me as a student the way that gentleman showed about the thyroid. क्वेश्चन ऐसा होता है टीचर पूछ देता है स्टूडेंट को समझता ही नहीं क्या पूछे तो बेचारा चुप बैठ जाता है कि बोलो तो प्रॉब्लम नहीं बोलो तो प्रॉब्लम मुंडी नीचे करता है साफ मेरे को मत देखो सर पूछ रहे मैंने क्या क्वेश्चन पूछा मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि आप होम्योपैथिक टीचर हो ये पेशेंट है जैसे वो आदमी ने थायराइड एग्जामिन करके बच्चों को समझाया वैसे आप आपके बच्चों को समझाओ वन आंसर इज नॉट पॉसिबल इमेजिन करो आदमी जीता है तुम्हारे साथ आई मूवमेंट सर आईज की Yeah.
भैया मेरे मेरे पास एक घंटा है यार, प्लीज पे लिटिल लिटिल फास्ट लिटिल लिटिल लेवल लिटिल लिटिल क्विक। सर दिखाना ही नहीं है ऐसा है, या सही है कि नहीं दिखाना, ये मुश्किल है सर। इस टेलिंग ये पेशेंट है, जस्ट अज्यूम दिस इज अ लाइव पेशेंट, इसी से हमने सीखा है। तो मिड लाइफ के अंदर ऐसे करके कर सकते हैं, बता सकते हैं, थोड़ा कोशिश कर सकते हैं उससे ज्यादा, तो क्या कर लेंगे सर? अच्छा पेशेंट की तकलीफ क्या है? आपने कहा कि इसको, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने क्या कहा कि ये पेशेंट है, जिस तरह से वो आदमी ने एक केस में डेमोन्स्ट्रेट किया वैसे आप इस केस में डेमोन्स्ट्रेट करके मुझे बताओ। तो अभी क्लियर हो गया? वंडरफुल, प्लीज गो एंड आंसर इट। व्हाट्स आप अगर टीचर हो तो आपको अभी स्टूडेंट को वर्ड्स कैसे एग्जामिन करने हैं ये अगर सिखाना है तो आप क्या करोगे? इज अ प्रोसेस। इसका सिग्निफिकेंस होम्योपैथी में है, है? इस सिग्निफिकेंस का सिम्टम क्रिएशन में है, है? इस सिम्टम क्रिएशन से रूब्रिक ढूंढने में सिग्निफिकेंस है, है? सिंपल, a simple walking case, and you can try and demonstrate the issues of this process of examination to choice of rubrics. But when this happens, you will all have observed what happens. This is something that happened just now also. Learners value feedback highly, and valid feedback is based on observation. क्या देखा? What's देखा? सही देखा? कितने हैं? Could be another question. तूने वो क्यों नहीं गिने? Can be another question. We all jump to the process. Symptom दे सकते हैं क्या? Symptom बना सकते हैं क्या? Grouping ढूंढ सकते हैं? Counting नहीं कर, you are trying to teach the students. So you give him a feedback, you tell him upfront, one-on-one, he starts learning. Because one-on-one learning is a process that really helps all of us when we go ahead in our lives. Because you can teach a student to remove the wrong learning, create a right learning, so that he follows it in his life for better care of patients. This is something that really happens. Most of us teach in lectures. Lectures have the least impact on the students. Giving one-on-one, personal, clinical, patient-based experience where the student does something, he learns it the most. But as teachers of repertory, the student comes to us when he goes to the fourth year. And he has only 100 hours to learn the whole process, and we have only 100 hours to make him competent and skilled in the process of using the repertory. And that process, we effectively kill everything from right to left and go only into the last column of lecturing, and just bombard the kid with lectures, and the kid doesn't understand anything. So we have to avoid doing this. We have to seriously avoid doing this. We go to the next issue. I seriously need 2 volunteers. There is a break in the session. The break can be taken now for 5-10 minutes. But I need 2 volunteers who should come and stay standing to be here for me. Any 2 people. Any 2. I want 2 people. Huh? Any 2. Any 2.
Okay, rest of you can take a break for 10 minutes and come back in 10 minutes. Thank you. अरे मुझे लगा कुछ हो गया आजकल. पानी आप लेट जाइए, पहले आप लेट जाइए, पहले लेट जाइए आप. अच्छा, क्या नाम है आपका? अब थोड़ा कंफर्टेबल हो पाए आप, बैठ सकते हो आप. ओके, क्या नाम है आपका? क्या तकलीफ हो रही थी? पेट में दर्द होता है और एकदम से आता है, धीरे 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 में चला जाता है. कब से हो रहा है? हो गए कुछ दिन, हो गए. कई पेशेंट्स को, कई डॉक्टर्स को दिखाया मेरी फैमिली के साथ, लेकिन कुछ ठीक आराम नहीं हुआ. हो आपके घर वाले भी साथ में नहीं है आज? नहीं, क्या बोलूं, घर वाले तो बोलते हैं मैं नाटक कर रहा हूँ. आप लेटिए, 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 आप लेटिए. अच्छा, ये क्या है? ये फाइल है सर मेरी. ओके, देख लो, मेरे घर वाले सब बोलते हैं मैं नाटक कर रहा हूँ. ओके, लेकिन मैं नाटक नहीं कर रहा सर, बहुत तकलीफ है. अच्छा, दर्द कब चालू होता है? कोई टाइम नहीं है सर, कभी भी चालू जाता है, कभी भी आता है और कभी भी चालू जाता है. देन फिर जब जाते हो धीरे 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 करके जाता है. अच्छा, दर्द में कैसा कुछ लगता है आपको? क्या बहुत तकलीफ होती है सर? बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ होती है. क्या तकलीफ होती है, कुछ बताओगे आप? सर बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ मैं, फिर चिल्लाता हूँ एकदम जोर से. दर्द होता है तो मैं बहुत जोर से चिल्लाता हूँ. और यही है सर, यही प्रॉब्लम. कहाँ दर्द होता है बताइए आप? ओके, और आपकी शर्ट Demonstrating a clinical case, okay? Simulate. What were they trying to simulate? What were they actually trying to demonstrate? The person level aata hai to pehle aap usko power level par karo aur usko paisa. And then wo jab pura settled ho jata hai, then aap usse puch sakte ho ki aapka naam kya hai, aapke saath mein kaun aaya hai, aapki takleef kya hai. What else they were trying to demonstrate? जल्दी मेरा ट्रीटमेंट करो ऐसे. जल्दी मेरा ट्रीटमेंट करो. मुझे बहुत मतलब पेन हो रहा है. आपको क्या हुआ? जब शुरू हुआ क्योंकि आपको क्या हुआ? मुझे सीरियस लगा सर, और मैंने मुझे लगा इनको सडनली कुछ हो गया तो आई शुड हेल्प हिम. बहुत काम कर रहे हैं आजकल. सीरियसली ऐसा लगा, मैं तो बहुत वरीड हो गई. मेरा मोबाइल, पैड, पेन सब कहाँ है? The impact was very sudden, very purposeful and very effective.
And the consequence we saw when you stood up and started helping him out straight away. Very true. Suppose this happens in your actual career. Suppose this really happens in your career. What will you do? Being homeopathic physicians, many times we become panic. Is that I am able to handle this patient or not? First thing that comes into our mind, sir, many times. And it depends on the experience, doctor's experience. Doctor's experience, panic in our minds. What else? Assess the patient's condition. Vitals. कैसे कंफर्टेबल करोगे आप पेशेंट को? सर अगर पेशेंट मान लीजिए कि अगर हम लोग मान लीजिए कि क्लिनिक में बैठे हैं, या तो आप सिंगल डॉक्टर क्लिनिक या फिर आपका सेटअप है जहाँ पर आप मरीज के ओपनिंग में बैठे हो, ये ड्रामा होने चालू हो जाता है, तो आप कैसे उसको कंफर्टेबल करोगे? सर उनका सबसे पहले पेशेंट के पास जाएंगे एंड बाकी जो भी एसोसिएट उनको कहीं मीटिंग उनको पहले ले जाते हैं या बैठाते हैं अंदर को बैठे crisis or not? How will you arrive at that process? But judgment, not examination. Not examination, judgment. Judgment, how do you judge? जिस तरह से वो अंदर आया उनकी जजमेंट ये थी तो सारा मांदा हो गया. That was your first major reaction. Yes. How did you arrive at that major? And how do you control yourself after a few minutes, few seconds rather, you know, not minutes? Because I recognize suddenly that he is doing drama. How? How did that trigger in your mind? मुझे ऐसा लगा कि सब लोग क्यों बैठे हुए कुछ नहीं, तो मैंने पानी की बोतल उठाई और वहां जा रही थी, फिर याद आ गया कि आपने बोला था आई नीड टू वॉलंटियर्स. इसीलिए सर पूछ रहे, पर सडन तो मुझे लगा कि इमरजेंसी है और इनको पहले ठीक मतलब पानी पिला के पेन कम कर सकते हैं, आइदर चेस्ट पेन है या कोई भी, और इमरजेंसी में ट्रॉमा भी हो सकता है, इंजरी में भी पेशेंट यही करता है. तो अच्छा, इंजरी में सपोज नॉट लेट्स एक्सटेंड दिस अ लिटिल बिट, सपोज इंजरी हुई है पेशेंट को, ऐसे ड्रामा करके अंदर आया कि एक्चुअली टीम आया है समझो, पानी पिलाओगे क्या? नहीं नहीं, तो पानी नहीं पिलाओगे. इसलिए मैं पूछ रहा हूँ जजमेंट, आप जब जजमेंट लेते हो ना, वो जजमेंट कैसे ट्रिगर होती है आपके दिमाग में, ये आपको आपके स्टूडेंट को सिखाना है. आप लेटाओगे, आप उसको रिलैक्स कराओगे, कैसे कराओगे? कुर्सी पे बिठा के टेबल पे लेटाओगे, पब्लिक को भगा के कि उसको अकेले को लेके? हाउ विल यू अराइव एट दैट जजमेंट कि ये पेशेंट को इस अवस्था में रिलैक्स कैसे किया जा सकता है? तरीके तो बहुत है, मगर कौन सा तरीका कब इस्तेमाल करने का ये जजमेंट आता है ना, वो जजमेंट लेने की जो प्रोसेस है आपके स्टूडेंट को आप कैसे ट्रांसफर करो, इज अ प्रोसेस बाय विच वी आर वर्किंग ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिमुलेशन. ऐसा पेशेंट आता है, अगर आपके दिमाग में वो नाटक कर रहा है तो आप क्या करोगे? आपके हिसाब से उसको एक्चुअली इंजरी हुई है तो आप क्या करोगे? अगर इसको एक्चुअली स्टमक पेन है तो एक्चुअली वो स्टमक पेन का एसेसमेंट आप कैसे करोगे? अगर आपको ये जजमेंट लेना है कि स्टमक का पेट पे हाथ रख रहा है मगर उसको एक्चुअली चेस्ट पेन है तो कैसे करोगे? You know, these are the processes that
that start getting bigger when we start looking at such kind of experiences which look real, but they are not real. इमेजिन तुम्हारा स्टूडेंट एक्चुअली ओपनिंग में बैठा है और कोई आ गया, वो कहां भागेगा बच्चा? और बच्चे को कॉम्पिटेंसी और स्किल है कि नहीं, इसका असेसमेंट कभी कराया नहीं हमने, क्योंकि कभी पूछा नहीं गया कि इसके बच्चों को ये सिखा। नाउ दिस इज समथिंग दैट हेल्प्स अस टू ओवरकम when you start simulating the situation, which is not real, but it apparently is real, it gives you a feel of being real, and it actually creates the same chain of actions that can happen if it was a real life situation. Now this is something that we actually start creating, because this is what is now being sought by the new educational policy. This is a fundamental change that necessarily has to be created if you wish to teach your student your subject. The problem is, in my subject, how do I attempt identify कि ये competency है और ये skill है जो मेरे बच्चे में आएगा मेरे पढ़ाने के बाद। इस लेवल पे मुझे मेरे सब्जेक्ट को अभी ब्रेक करना है। तो दिस इज समथिंग दैट वी गो अहेड। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू सिमुलेशन। इंसान गलती कर सकता है, मैं इनका चेहरा देख रहा हूं, एक क्षण के बाद वो एम्बेरेस हो गए, यार सब दुनिया तो बैठगी, मैं तो इतनी हाइपर हो जा रही हूं। वर इज ह्यूमन, द जजमेंट कैन हैव एरर, इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल, इट इज टू बी एक्सेप्टेड, बट दिस कैन हैपन इफ इट इज सिमुलेटेड। इन रियल लाइफ सिचुएशन देयर कांट बी एन एरर ऑफ जजमेंट, देयरफॉर वी हैव टू क्रिएट सच सिचुएशंस व्हेन वी स्टार्ट coming to our subject. Second image for you all. Again a simulation of a different kind. And why am I trying to put it across is written on the right hand side. Suppose a patient comes with this, and you all teachers of repertory have to use this to demonstrate how to eliminate what's written on the right hand side. You are trying to eliminate that whatever theory you have learned, you have to make use of your clinical skill. And this is the patient who has walked in with this. So the first question, what is it that you are seeing? So interesting that is probably both the other side. Okay. Please listen to what ma'am has said. Did you understand what she said? Madam, please, let us understand whether the students are attentive or inattentive. Yes, yes, yes. Sir, your process is that you don't know where you are going or where you are going. Correct. Simulation is that. Man ko shant rakhiye, dimag tandurust rakhiye. कोशिश है टू क्रिएट अ सिचुएशन वेयर द एक्साइटमेंट इज देयर, बट आई एम वांट नॉट टू टॉक, बट आई वांट टू टॉक, व्हिच इज नेचुरल।
this is the thing that you should be able to cultivate in your students. It helps because the student becomes attentive to what the teacher is trying to tell. सर सिंपल क्वेश्चन था मेरा कि मैम ने जो बोला वो आपने सुना क्या? अरे शांति रखो ना भैया, मैं उनको पूछे जा रहा हूं. आपने सुना मैम ने क्या कहा? नहीं सुना. ये हो सकता है, हर बच्चा क्लास में अटेंटिव होना ही चाहिए इसकी जरूरत नहीं है. अच्छा रहता है कि कम से कम बच्चे अटेंटिव रहते हैं. जो बोल रहा है बोल के निकल जाओ, जो होगा भगवान देख लेगा. मैम प्लीज रिपीट. मैंने ऐसा कहा कि पॉसिबिलिटी में कि इंडेक्स फिंगर के ऊपर लेफ्ट कलर दिख रहा है, बोर्ड के तुरंत बाद में जो इंक लगाते हैं उसका रिमेनिंग को और वो कम अप कैसे कर सकते हो? डेफिनेटली नहीं छोड़िया. मैम का थॉट प्रोसेस में ये इलेक्शन इंक का कॉन्सिक्वेंस है. ओके, बचपन में इंजुरी हुई है, इंजुरी हुई है, पस फॉर्मेशन हुआ है शायद. ओके, या दैट्स व्हाट इज ट्राइंग टू टेल. सो इन द इंजुरी पॉसिबिलिटी एंड पोस्ट इंजुरी ये दिख रहा है. ओके, व्हाट एल्स? यस मैम प्लीज गो. इन फर्स्ट केस द थंब नेल इज अ क्वाइट कलर चेंज. Might be possible it is having some sort of fungal infection, but doesn't matter. Okay. Please understand. She is talking of ink. He is talking of an injury. She is talking of an infection. All of us are seeing the same image. Has it started? Yes, sir. None of you can be wrong. The wrong is depend on the time on which the answer is given. If this is the case, now you go to the second step now. You are thinking ki ye election ink ka natija hai. Ho sakta hai na, theek hai, to main kidhar aapko suli pe chala raha hu na. Ho sakta hai. Agar ye hua to aap कैसे वेरीफाई करोगे? इंक स्टिक टू इंक. सर डायरेक्टली पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, ये क्या है? ओके, द फर्स्ट थिंग ये क्या है. ओके, द सेकंड थिंग इज ये कैसे हुआ. ओके, व्हाट एल्स विल यू आस्क टू वेरीफाई द इंक पार्ट? जो इलेक्शन में उसी एरिया में तो मैं वहां प्रैक्टिस करूं तो मुझे पता होगा ना सर. सो देयर इज अ जनरल नॉलेज इन द फिजिशियंस माइंड कि आज की तारीख में रिसेंट पास्ट में इलेक्शन हुआ था. ओके, इन अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं. ये जनरल नॉलेज आपका है, हम सब एडल्ट्स हैं जिन्होंने इलेक्शन में एक बार तो कम से कम वोट किया होगा. अरे इलेक्शन की इंक कौन से उंगली के नाखून पे लगाई जाती है? क्विक यार. So there is a counter question. Second issue is कि अगर वो इंक लगती भी है तो उसको कैसे लगाई जाती है? Number three. Number three, in your experience as a doctor, इंक वो नाखून से कब निकल जाती है? बराबर. So there are three possibilities and there are three counter possibilities which you have to think. The image is same. You are trying to move from your theory to your clinical actual visualizing. कि ये ऐसे हो सकता है क्या? और मैं इसको ये बोलने के लिए मुझे क्या क्या सोचना चाहिए, कैसे कैसे पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए और उसका आंसर क्या मिलेगा, तो मेरा जजमेंट करेक्ट. सपोज इट्स एन इंजुरी, सेम क्वेश्चन. What makes you think कि ये इंजुरी की वजह से हो सकता है?
टच करके सर पास पूछेंगे कोई लगा था क्या आपको कोई पूछेंगे यस और नॉट ओके give it she is adding something ha no to help you please help you in case of crush injury so you pehle injury hui thi kya type of injury kya thi okay then touch real injury hui hai to wo part painful hai or not painful hai ya not painful hai confusion there is color is because of the confusion so you are assuming there was some confusion as an injury because of which the nail has changed its color to so there is thinking that you are having how will you judge if two fingers of this type and everything else is spare aise kaise ho sakta hai agar injury sochte hain ha iska ye ring finger to middle finger hai aur ye thumb hai it is apparently of the same hand एक ही हाथ के ये दो उंगलियां कैसी इंजरी हुई होगी तो ऐसा सिचुएशन पैदा होगा यू थिंकिंग क्रश इंजरी मैन यही दो उंगली क्रश कैसे होगी बाकी के तीन बच गई सर उसमें ऐसी बात याद आती है कि जैसे एक ही तीर से वो गोट का पांव एक और कान दोनों एक साथ में छिटकन लगा है तो कब करेंगे जब वो पांव से कान को खुलसाई देता हूँ हाँ तो ऐसे कब ये करेगा कि ये तो उंगली जाके ही इंजरी कराएगा वो इट्स अ क्वेश्चन यू हैव टू थिंक वी आर एज नॉलेज क्या है हमारे हाथ में कि अगर इंजरी होती है नाखून को तो नाखून ऐसे हो सकता है बट दैट इज अ थ्योरी क्लिनिकल प्रैक्टिस यू आर आस्किंग योरसेल्फ मोर एंड मोर क्वेश्चंस टू वेरीफाई विद योर पेशेंट इफ यू आर लुकिंग एट द थर्ड पार्ट दैट शी इज टॉकिंग एंड शी इज टॉकिंग ऑफ अ फंगल इंफेक्शन सो व्हाट इज इट दैट विल हेल्प यू टू कंफर्म कि दिस इज दैट Then you have to answer it. Sir, in first sight, it seems to be color change, which might be, as for example, I said earlier also. And then my next question must be there, but मैंने पूछा नहीं आपको. It is the same hand, it is in thumb also, and it is in finger also. So dermatitis might be an infection, which can affect all the phalanges at the same time. So it is fungal infection. Since how long? Because injury will be recent, probably. This can be a long-standing. Fungal can be long-standing. And any other areas of the body, location, any other area any location, yes. Toes. Okay. Okay. You know, if I move a little more ahead, let me clear it out to you. This case is diagnosed as fungal infection of the nails. Fine. Let me go a little more ahead. Symptom पैदा करो. आप आपके हिसाब से, आप आपके हिसाब से और आप आपके हिसाब से. तो क्या symptom पैदा करोगे? ये this stick to your ankle या right and wrong stick to your injury only and stick to your fungus only. What would be the symptom? That will create pain. Yeah, symptom. Location, sensation, model, and tone. Just stand and talk. Teaching in the surrounding area. मैम ये आप देख रहे हैं इसको देख के सिम्टम बनाना है आपको From what time? बेसिकली सर इस फैलिंग अगर आपको सिमिलेट बनाना है कि फंगल इन्फेक्शन का केस है तो आप कैसे प्रेजेंट करते हैं हम देख रहे हो क्लासरूम में क्या हो रहा है क्लासरूम में सब स्टूडेंट एक्साइट हो गए हैं सबको एक दूसरे को हेल्प करनी है सबको प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग विच इज अ प्राइमरी प्रॉब्लम And the primary intention of problem is learning
is communication, team activity, and an effort to solve the problem. मेरा क्वेश्चन क्या है? ये चित्र देखिए, आपको एक सिम्टम बनाना है. इसीलिए मैंने वो भी बोला एलएसएमसी में बनाओ, इसीलिए नहीं सुना. अच्छा रहता है, स्टूडेंट अटेंटिव नहीं रहता है, ठीक है. मेरे बात करने के और मुझे मिलते हैं. इफ द स्टूडेंट हैव आंसर्ड एलएसएमसी, देन व्हाट यू शुड हैव आंसर्ड मैम? लोकेशन विल बी द विदर द फिंगर ऑन द राइट हैंड एंड द थंब ऑफ द राइट हैंड. सो द लोकेशन इज राइट हैंड. वी आर ऑल यूनिफॉर्म. यू विल आल्सो से राइट हैंड. I'm sure he will say right hand. I'm sure she will say right hand. What will you change now? As per my definition. Yes, what will you change? Sensation, no, nothing is there, no sensation. Well, what is there? What is there? Yeah, what is there? 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 अगर आपके हिसाब से वो ब्लू डिस्कलरेशन है तो उसकी मॉडलिटी आप क्या बनाओगे? अरे अब बनाना ही नहीं है. हाँ बनाना है. आपने तो शुगर की इस मसले की आप, अरे भाई डियर क्या हमको, आप सही रास्ते पे जा रहे हो, क्यों डाइवर्ट कर रहे हो अपने आप को? अरे मैम 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 प्लीज, आप सही रास्ते पे हो. आपने मुझे शुरुआत क्या की कि ये शुरुआत हो रही है इलेक्शन की इंक से. तो अगर आप बोल रहे हैं कि राइट हैंड थंब एंड राइट हैंड इंडेक्स मिडिल फिंगर है लोकेशन, आप बोल रहे हैं उसका पुलिस डिस्कलेशन एज सेंसेशन, तो आपकी मोडालिटी में आप क्या लिखोगे? आपका आपके हिसाब से प्रॉब्लम क्यों बना? तो द कॉजेशन इज द इलेक्शन इन, तो लोकेशन इज राइट हैंड, थंब एंड मिडिल फिंगर, सेंसेशन इज ब्लू डिस्कशन, कॉजेशन इज इलेक्शन इन. ठीक, जस्ट इट. अगर आपको, अगर आपको एज ए स्टूडेंट में बताऊं कि भैया आपकी जो मर्जी वो रेपर्टरी खोल दीजिए और मुझे आपके रूबी दिखा दीजिए, यू विल स्टार्ट ट्रिगरिंग द स्टूडेंट्स माइंड इनटू थिंकिंग कि राइट हैंड ब्लू कलर इलेक्शन इन, तो बूढ़ा हो जाएगा उसको रेपर्टरी में इलेक्शन इन नहीं मिलेगी. तो उसको कुछ अलग सोचना पड़ेगा. आप उसको सोचने पे मजबूर करोगे कि इलेक्शन ये तो वर्ड ढूंढने का खुदा मिलेगा नहीं मिलेगा, बट जो इस्तेमाल तो करना ही है उसको. सो जब टू मेक दैट थिंक, सेम थिंग अप्लाई हो गया, राइट हैंड थंब मिडिल फिंगर कॉजेशन इंजरी सेंसेशन है, मॉडलिटी है हमारे पास. अरे कुछ लिखा नहीं है, मैं दिमाग की बात कर रहा हूं बाबा, देखने में इतना ही दिखेगा. अगर आपको उसको रेपर्टरी में खोलना है, जो चाहिए वो रेपर्टरी, तो मिलेगा क्या उसको? तो क्या नहीं मिलेगा? सी स्टूडेंट को सिखा रहे ना, क्या नहीं मिलेगा? सपोज नहीं मिला तो तू क्या करेगा? मिलेगा तो आसान बात है ना, नहीं मिला खा गया. किस चीज का डीडी बनाएगा? तो दूसरी चीज इस केस में और क्या मिलेगा? सपोज इन्होंने आपने बताया कृष्ण, जब तक इंजुरी थी ठीक था, मैम ने ऐड किया क्रश इंजुरी, रेपर्टरी में क्रश इंजुरी है क्या? अगर क्रश ये वर्ड नहीं मिला तो रेपर्टरी में कौन सा वर्ड ढूंढना चाहिए बच्चा? क्रॉस इंजुरी के बाद
आपको एक जगह तक शांति से बराबर हो जाएगा तो हम इंजुरी की बात कर रहे हैं ना मैम, हम इंजुरी क्रश की बात कर रहे हैं। आपने एक लेवल पे आपने बोला कि आप डिस्कलरेशन करो, क्रश के बाद डिस्कलरेशन हुआ दिख रहा है, ब्लूइश दिख रहा है, तो इंजुरी का एक्सटेंशन उस लेवल तक जो दिख रहा है वो बच्चा देख सकता है। सो यू आर ट्राइंग टू मोबिलाइज द थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट बाय अ सिंपल ऑब्जर्वेशन। यू कैन ट्राई दिस टेक्निक अक्रॉस योर डिपार्टमेंट रेपर्टरीज। एनी डैम पेशेंट आई टेल यू, कोई भी चलता फिरता फोटो निकालो, इसके ऊपर अभ्यास हो सकता, उस अभ्यास का डॉक्यूमेंट हो सकता है, उस डॉक्यूमेंट से आप बच्चे को क्या देखना क्या नहीं देखना सिखा सकते, उसको ये दिखा सकते हैं कि ये दिखा तो इसका अर्थ क्या लगाने का और क्यों लगाने का सिखा सकते, ये दिखता है तो रेपर्टरी में ये कहां वर्ग मिल सकता है वो सिखा सकते। तो कितने चीज, दीज आर ऑल स्किल्स फ्रॉम अ सिंपल फोटोग्राफ। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ द राइट एंड रॉन्ग ऑफ रेपर्टरी, ये सही रेपर्टरी की गलत रेपर्टरी है, सही दवाई की गलत दवाई है। आपके स्टूडेंट को वो स्किल सिखा रहे हो एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ सिमुलेशन, बिकॉज जब उसके एक्चुअल ओपीडी में कोई पेशेंट आता है विथ सिमिलर टाइप ऑफ नेल डिस्कलरेशन, उसके दिमाग में वो अलर्ट पे आ जाएगा कि मुझे भैया इतना 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 सोचना चाहिए ताकि मैं ये कर सकता हूँ, ताकि मैं सही दवाई तक पहुंचूंगा तो मेरा पेशेंट ठीक है। तो दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू गो ऑन टीचिंग। Some inherent advantages of this simulation based. Yes, ma'am. Inda sikha sakte. Jitna chahiye error kar sakte. Koi patient ko sadhe nuksan, tu patient ko nuksan nahi karoge, na patient tumhare upar nuksan ka daava lagayega. Shanti se seekh sakte. And this is something that will ensure your clinical competency. Please try. You have patients who come with rheumatoid arthritis, you have patients who have chloasma on the cheeks, you have patients who have deformed nails, you have patients who are having bone things. You can have so many things that can be seen in your opinions. So many things. Bring them. Your students will learn much more faster. आपको आना है? नहीं आपको आना है, बस आप आ गए, आप अभी और दो जन कोई भी चलेगा। एनी टू डॉक्टर शीशा लाएंगे, नहीं 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 डोंट वरी, पेट में दर्द नहीं होने वाला है, कोई खतरनाक चीज नहीं कराऊंगा। नहीं नहीं अच्छी बात है, उसको होम्योपैथी नहीं चला तो कम से कम आज के जमाने में डॉक्टर एक्टर बहुत अच्छे बन रहे हैं, वो मराठी में सीरियल चल रही है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू, आई एम श्योर मेनी फ्यू हु इज मराठी अराउंड हियर, जी मराठी पे चला हवा यू, चला हवा इंडिया इस नाम का एक सीरियल चल रहा है, इट्स क्रिएटेड बाय अ डॉक्टर एंड दैट फिल्म इज सच अ फैबुलस फिल्म आई टेल यू। तो डोंट वरी सर, लंबी उम्र भी लेगी। या ये टू मोर क्विक टू क्विक पीपल प्लीज, इट्स अ वेरी एनी 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 टू यार,
खड़े हो जाओ और आ जाओ आ जाओ चल वन लास्ट पर्सन अरे मैम चलो आ जाओ कम ओके नाउ ऑल ऑफ यू हैव टू बी अटेंटिव स्टूडेंट्स ओके सारे इंस्ट्रक्शन दे दी किस तरह से पेशेंट को सिटिंग में रहोगे आप
किस तरह जब स्पीको मीटर चेक करोगे किसका मर्करी ऑफ है या ऑन है, कब को कैसे टाई अप करोगे, कितना इन्फ्लेक्ट करोगे, फिर किस तरह से आप मतलब किस तरह से दो पेयर बाय हेल्प ऑफ ऑस्कल्टेशन एंड पल्सेशन आप ब्लड प्रेशर का फाइंडिंग कर सकते हो। सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में बात किया। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आपने जो हुआ देखा, सर ने हमको ये समझाया कि क्या हुआ उनके हिसाब से, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आपको उस वीडियो में कुछ चीजें ध्यान में आएगी, कुछ चीजें अलग से घटती हुई नजर में आएगी। हमको क्या बात करनी है, दो चीज, एक ये रियलिटी में जो हुआ और जो वीडियो में दिखा रहे हैं उसमें सिमिलैरिटी और डिफरेंस क्या है, समझे? इंस्ट्रक्शन इज क्लियर, नो कंफ्यूजन, ओके। Chief of Medical Dermatology at Stanford Medicine. Today we'll be talking about a general approach to the dermatologic examination. To describe skin lesions, first we have to learn the language of dermatology. It's the common language that we share to describe skin lesions, and this is something we call morphology, which is to describe the general appearance of a skin lesion without any regard to its pathogenesis or its underlying etiology. The first thing that we have to do is we have to identify primary lesions. We're going to go through and talk about the different primary lesions and provide some clinical examples and images of each. The macule is a non-palpable, less than 1 centimeter lesion, and a petechiae is an example of a macule. If we were to take a macule and increase its size to greater than 1 centimeter, we would have a patch. Vitiligo is a perfect example of a patch. A raised patch, something that you can feel that's raised above the surface of the skin, is called a plaque. Psoriasis is a great example of a plaque. If you were to take a macule and make it palpable, still less than 1 centimeter, we have a papule. And a papule is something that we see typified by a cherry angioma or a wart. In addition, you can have a large papule, something greater than 2 centimeters, which is dome-shaped, and you call that a nodule. Epidermal occlusion cysts is a commonly encountered nodule that we see in the skin. A vesicle is a clear fluid-filled lesion. Herpes is an example of a vesicle. If we have something that looks like a vesicle, but that's instead filled with plasma purulent material, we call that a pustule. And we see pustules in acne and certain kinds of drug eruptions. A large vesicle, greater than 1 centimeter, is called bulla. And we see bulla in friction or in blistering conditions like bullous fluid. So after we choose the appropriate noun, we have to fill it out with some adjectives. We can talk about the size of the lesion. We can talk about whether or not its pores are clearly defined, in other words, its demarcation. Well-demarcated lesions such as we see in hair circles. Alternatively, lesions can be not well-demarcated such as in cellulitis. We can also talk about its color, and in dermatology, there's a lot of conditions which have characteristic colors to them. One example is we see the white of vitiligo, loss of pigmentation. We can also see a bright red of a drug eruption, a viral example. In addition, purple sometimes denotes a vascular process like Kaposi's sarcoma. You can also see things in the skin that are granulomatous, pure brown in color. Yellow sometimes makes us think of xanthomatous lesions or fatty lesions. In addition, we can sometimes see black as being necrotic skin or a breast scar. We also see blue as a deep pigmentation, for example, in something called bleomas. In addition to the primary morphologies, we oftentimes have secondary or overlying morphologies.
some of these examples include serum, which is dry cross. We can see this in vitiligo, we can see this in acute or sub-acute eczema. Fissuring is something that we can see, which is a splitting of the skin as a result of hand or foot psoriasis. We can also see lichenification. Lichenification is the thickening of the skin and accentuation of skin lines as a result of chronic rubbing or scratching. Erosions are partial loss of the epidermis, and sometimes we see this as a result of scratching or injuring the skin. Ulcerations are full thickness loss of the epidermis, and sometimes these are frictionally derived or as a result of inflammatory processes. It's important to consider the distribution of skin lesions throughout the body as they can help you with the diagnosis. For example, lesions on the eccentric surfaces of arms and legs can be seen in psoriasis. Generalized distributions occur in certain drug reactions. You can see a photodistributed rash in connective tissue diseases such as lupus or dermatomyositis. That was a lot of information, so let's quickly review the important parts. Whenever you are attempting to describe a skin problem, remember the primary lesion or morphology, size, demarcation, color, secondary morphology, and distribution. What you'll need for a skin examination is a well-lit room, a ruler, a magnifying glass, a handheld source of light, and an open and curious mind. We have a patient here today who's going to help us go through some of the important considerations for a dermatologic examination. Well, sir, thanks for coming in. Thank you. So using some of what we just discussed, let's practice by describing our patient's rash. So the first thing we want to do is we want to carefully choose our primary lesion. I'm going to choose this area here. When I touch it, I feel that it's raised above the surface of the skin. It's larger than a centimeter in size, so the appropriate primary lesion term would be a plaque. After we choose our noun, we want to think about some other descriptive terms that help us fill out some of the adjectives. This is probably a few centimeters in size, well demarcated. Its color is probably dully red, I would describe it as. In regards to secondary morphology, we see that it has some crusting, which is dried serum or dried blood. We can also see superficial erosions or areas that the skin has been disrupted. And also we notice some subtle scaling. So taken all together, this is consistent with the diagnosis of psoriasis. This erythematous plaque with overlying scaling, excoriation, serum crust, in different lesions and stages of evolution are consistent with this diagnosis on eccentric surfaces of the body. One of the other things that we can do sometimes is perform special tests. Sometimes what we do with scaly lesions like this is if we were to peel off some of the scale, we can see if we see an Auschwitz sign, which is signs of focal bleeding from blood vessels that are high up in the surface of the skin. The other thing that we notice about this, stepping back from the primary lesion, is the distribution of the lesion. And looking at the legs, it tends to be on the eccentric surfaces of the body. So we see that these plaques are distributed mainly on the legs here, but also when we look above, we see some areas of hyperpigmentation further up on the legs. Also, given that psoriasis can involve other areas, one of the areas we want to examine is the scalp. In addition, we want to examine the ear, including the contour bowl and the external auditory meatus, as well as the retroorbital area. Other areas we want to examine include the medial and lateral canthus, the alar groove, the alar rim, under the chin, anterior rim. We also want to make sure we examine interdigital. Always announce what body part you'll be examining next and ask permission before doing so. I hope you enjoyed our discussion about the approach to the dermatologic examination, and please visit the Stanford 25 website for more information. Something on the video. There was something similar
there was something different. So can we describe the similarities that you observed? Demonstration of the patient was seen in both of the cases. Okay. What else was similar? Besides subheadings of the main topic. Subheadings of the topics that was there. In what was happening over here, were you able to identify something of that side? Voice. You are not able to hear it. Okay. Yes. Can you? You actually heard what madam was saying? Was this aspect received by you? Was she able to explain to you every step? What she was doing? Did she explain that to you? She was explaining? She was explaining. Madam was telling him what she is doing. What is seen in this video also. Fine, very true. What else was seen as similar? Types of the lesion, types of pressure. Yes. Ma'am was describing. Did she describe that to you? What was she describing? Systolic pressure and diastolic pressure. So madam was teaching to the student the two types of pressures. What else was she teaching in relation to this diastolic and systolic? When we can ask her that this sound starts, it is a systolic pressure, and then when stops hearing sound from stethoscope, it's a diastolic pressure. So she was trying to teach him what means what. As he was trying to demonstrate, if this is the lesion, this means what. Okay, what else? Very good. What else was the similarity that you observed? In case of sphygmomanometer, she was asking, it is called, what is its name? Then she replied that it is called sphygmomanometer. In the same way, in this case, he was describing all the diagnosis along with the name or the details of the case. I will change it slightly. Yes. Slightly. Madam was, did madam tell you what she is doing? Madam ne aapko bataya ki wo kya karne wali hai? Yes, seedha unhone explanation start kiya. Jo seedha explanation chalu kiya, usme unhone kya kiya? Kya chalu kiya unhone? कैसे लेवल रखना है, ओके, कैसे टाई करना है, ओके, सब प्रोसीजर मैंने हमारे बच्चे फिर ये चेक करना है कि ये सही जा रहा है कि नहीं, मशीन तो खराब नहीं है, एंड देन हाउ टू मेजर द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड ऑन व्हिच आर्टरीज कंप्रेस डिड नॉट गिव नेम of arteries, but yes, for them you can be looking at your ear. Okay, if you want to, ma'am, you have seen the video. If now you recollect, what is it on this part? You can, आपको कुछ कहना है इस विषय पे जो इस वीडियो में दिखाया गया और ये जो बता रहे हैं उस विषय में आपको कुछ कहना है कि ये करना चाहिए था, एक चीज थी. स्टार्ट किया था तो बोलना चाहिए था कि आज लोग ब्लड प्रेशर मेजर करना सीखेंगे. करेक्ट, वन फैंटास्टिक मेथड. ओके, सेकंड, सेकंड कौन सी मेथड, देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ मेजर द प्रेशर एंड फैंटास्टिक टू. ओके, एंड राइट नाउ आई कैन शो टू मेथड लाइक पल्पेशन मेथड एंड द वो जो उसका मशीन क्या है और उसको कब बताया? नो, शी टोल्ड हिम कि ये मर्क्यूरी वाला स्फिग्मोमैनोमीटर है. टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, एरानॉइड, आपने बताया उसको. ये वीडियो में भी वो बोलता है कि अगर आपको स्किन लीजन देखनी है तो आपको क्या चाहिए? एक वेल लिट रूम चाहिए,
यूवी लाइट टॉर्च चाहिए और मैग्नीफायर चाहिए किटल्स. सो इट इज समथिंग दैट वी हैव टू गो इन अ स्टेज वाइज मैनर. सपोज यू वॉन्ट टू शिफ्ट दिस टू रेपर्टरी, चेंज द कैसेट, ब्रिंग इन रेपर्टरी पार्ट इन. How will you proceed? Most of you are expected to teach basic repertories. Yes. Therapeutic pocket book, CAD, BBCR. You are expected to teach in your undergraduate students. If you have to teach this and you have to demonstrate it in this place, this way, what ma'am did or what the video is doing, what would be the steps that you would like to do if it was a therapeutic pocketbook, as an example? Sumir? Yeah, you can. थेरेपेटिक पॉकेट बुक यदि पढ़ाना है तो सबसे पहले कि आज से हम लोग रेपर्टरी पढ़ना शुरू करने वाले हैं. रेपर्टरी क्या है एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में उनको बताएंगे. देन रेपर्टरी की नीड क्यों है और रेपर्टरी जो पर्पज दे रहा है तो फिर बेटा बेटी का इतने साल तक पढ़ा क्यों, एंड देन वो बताएंगे. एंड देन कितने तरह की रेपर्टरी है और ये जो रेपर्टरी है वो किस कैटेगरी में आती है. एंड देन उस रेपर्टरी का जो पर्पज था उसकी जो शॉर्ट हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन है वो बताएंगे. उसके ऑथर के बारे में एकदम शॉर्टेस्ट इंफॉर्मेशन देंगे ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी का और उसकी रिलायबिलिटी का कोई पता चल सके. और देन उसके बाद में उसका जो फिलोसॉफी है और उस फिलोसॉफी के हिसाब से कैसे उन्होंने प्लान एंड कंस्ट्रक्शन किया वो बताएंगे. और ये पर्टिकुलर सॉरी अगर आपको उस बुक के ऑथर की हिस्ट्री बोलनी है आपको बोला तो आप उसको कैसे बोलोगे, किस किस तरीके से उसको बोल सकते हैं, किस किस तरीके से बोलने में स्टूडेंट इन्वॉल्व होगा. अगर मैं चालू करूं कि उसको ऑथर का नाम गोनी बसंत था, उसका पूरा नाम ये था, उसका रेलेवेंस उस बच्चे को किस हद तक रजिस्टर होगा. यू रिमेंबर दैट 10 रुपी वाला एग्जाम्पल है एंड कनेक्टेड विद दिस थेरेपेटिक बुक का गोनी बसंत का नाम का एग्जाम्पल. यस मे बी अगर हम इफ यू से एग्जाम्पल 1846 कि उसकी हिस्ट्री बतानी है तो वी विल कोरिलेट विद सम इवेंट इज बी टोल्ड सम इवेंट ड्यूरिंग दैट टाइम एंड कोरिलेट टू मेक देम रिमेंबर द डे फॉर एग्जांपल. सो दैट वे वी कैन कोरिलेट वन वे ऑफ एनी इवेंट्स डन व्हिच इज मोर पॉपुलर व्हिच वाज इन द पास्ट व्हिच अकॉर्डिंग टू द जनरल नॉलेज व्हिच दे नो. सी एंड ऑफ द डे आपको उस बुक का इतिहास और उस बुक की यूटिलिटी, वो इतिहास और उसकी यूटिलिटी, ये दोनों का कनेक्शन बच्चे तक पहुंचेगा तो बच्चा इतिहास पढ़ेगा, याद रखेगा, उसको इंटरेस्ट है. हम सब ने हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी. हम में से कितने लोगों को इंडिया की हिस्ट्री के बारे में आज की तारीख में याद है, क्योंकि उसका एप्लीकेशन नहीं है, उसका यूटिलिटी नहीं है, उसको पता भी नहीं है कि क्या चीज है. बट अगर उसको हिस्ट्री को अगर मुझे किसी और ढंग से पढ़ाया गया होता तो आज मुझे कुछ ना कुछ उसका याद होगा. आज जितने लोग पावागढ़ गए वो पावागढ़ का इतिहास अगर मैं यहाँ पे ब्लैकबोर्ड पे सिखाऊं और आप पावागढ़ जाके देखो इसमें फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, जमीन आसमान का फर्क पड़ता है. क्यों? नो नॉट ओनली विजुअल व्हाट एल्स व्हाट यस मैम एनवायरमेंट व्हाट एक्चुअली दैट एनवायरमेंट एंड विजुअल एक्सपीरियंस गिव यू एक्चुअल आंसर एक ही जाएगा. Involvement of myself, our own self in that particular event. You found yourself in that event. Emotional experience. Experience. Experience.
सो इम्पोर्टेंट. इफ मुझे वो अनुभव नहीं होता है उस एनवायरमेंट का, उस विजुअल का और उस एफर्ट का. पावागढ़ इतने इतने मीटर का है, पावागढ़ में ये चीज देखने जैसी है, पावागढ़ में ठंड इतनी रहती है, मैंने अनुभव ही नहीं किया, उसे लेके मैं क्या करूं? जो चढ़ेगा उसको समझेगा कितना सांस फूलता है और वो रोपे नहीं रहेगा तो मैं लटक गया. नहीं थे रोपे आया था आपको, मिला कि नहीं मिला कि लटक गए, लटके थे थोड़े टाइम के लिए, मालूम पड़ा, मालूम था, अनुभव होता है. तो कोई भी चीज का जब तक अनुभव और उस अनुभव की यूटिलिटी जब तक मुझे नहीं मिलती है ना, तब तक उस विषय का मुझे कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं. एंड दैट इज समथिंग वी आर ट्राइंग टू और वी शुड ट्राई टू कल्टीवेट. इसने वॉज एन एग्जाम्पल, बीपी वॉज एन एग्जाम्पल, इमेजेस आर एन एग्जाम्पल. Because these are experiences you visually saw, you felt, you touched, you emoted. Now this remains with you. This is something that should remain with the child. And that is something that will enrich him as a student and as teacher. Because every time, agar main inko batau aaj, main aapne therapeutic pocket book, I'm sorry, aap kitne saal se padha rahi hain? Sir, main 10th kaafi saal se padha. आप कितने साल बाद दो दस पचास पच्चीस कितने साल पंद्रह साल मैम आपको केंट पढ़ाने में आप तो नींद से उठाएंगे तो भी बटन दबाने से आप चालू हो जाओगे, ऑटो मोड में मैडम चली गई होगी. आपको कितनी खुशी होती है हर पंद्रह साल में वही चीज बार बार लगातार गाए जाओ. हाँ? होती है उसमें आप जब तक वेरिएशन नहीं लाओगे, जब आप उस विषय में और कुछ कुछ नई नई चीज नहीं है जब तक नहीं ढूंढोगे, जब तक कोई बच्चा उस विषय का क्वेश्चन नहीं पूछेगा तब तक वो मेरा गाना वही राग में चलेगा जो 15 साल से गाना गा रहे हैं. और मेरा एज ए टीचर हैप्पीनेस ऑफ डिलीवरिंग अ सब्जेक्ट और वो बच्चा तुरंत देख लेता है कि सारा मास्टर जो है ना थक गया है, बड़ा बड़ा उसमें कोई बचा नहीं है, एक ऑर्डर करता है तो वो बच्चा पहले थक जाता है. सो ही स्लीप बिफोर द टीचर स्लीप्स एंड दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी अवॉइडेड एंड दैट इज समथिंग दैट कैन बी अवॉइडेड. दीज वर सम डेमोस दैट वर देयर व्हिच कैन बी ब्रॉट टू यूज. Now I go to the last video and I would actually want you people to listen to what the video is, listen, create a symptom and convert it into a rubric of your choice. Right and wrong is not the issue. Taas samjha? Aapko main video dikha raha hoon, usko dekhna hai, sunna hai. आपके हिसाब से सिम्टम बनाने हैं और आपके हिसाब से सही गलत जो एक रूपरेख बनाना है उस सिम्टम का. टास्क इज क्लियर, प्लीज वॉच दिस वीडियो. सॉरी, लिसन एंड सी. देखना तो है, देखना तो है मगर सुनना भी. अरे मैं बोल के गया ना, हाँ, साउंड सेंसेस, वो साउंड और सेंस दोनों एक्टिव रखना. Just give me a minute, no? I have to connect to the internet to get that video. Thank you.
Did you know flight rates have reduced substantially? Book in tickets now, starting at Rs. 8. Okay. Positive can be. Positive. Positive. Okay. Perfect.
Okay, what else? What else is also simple pain. Yes. Converted into symptoms, sir. Radiating pain on its own is not of any significance. From where to where? Starting from where? Because of what? So if it is chest, heart, radiation, it makes sense. It makes sense to you because if you define the pathology which is underlying, that is underlying pathology kya hogi? Myocardial infarction. So there is an MI that the patient may be having, so your pathology could be MI. So you have a chest, you have a heart, you have an MI, you have a radiation type of pain. Okay, if I show a patient like this, and if I ask a student to create a symptom like this, if I ask the student, suppose now this is the symptom, and please check in therapeutic pocketbook. Please check in therapeutic pocketbook. Possible hoga ye symptom dhoondna in a therapeutic pocketbook? Stand up and talk, please. No, haan. सारे रूब्रिक्स तो नहीं मिल पाएंगे कुछ कुछ मेरा नहीं मैंने तो अभी एक सिम्टम बोला ना आपको आपको एक ही सिम्टम बोला अभी मैंने चेस्ट हार्ट पेन रेडिएशन ये आपको थेरापेटिक पॉकेट बुक में ये सिम्टम मिलेगा क्या एज अ रूब्रिक ये मैं टास्क स्टूडेंट को दूं तो वो बच्चा सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा होगा तो वो उसको क्या करना चाहिए कि वो हो जाएगा सक्सेसफुल हो जाना चाहिए ना बच्चा तो बच्चे को सक्सेसफुल बनाने का जवाबदारी अपना है तो वो बच्चा क्या करना चाहिए और उससे आपको कितने चीजें उसको सिखाने का एक शॉट में मौका मिलता है तो फर्स्ट ये पैदा मिलेगा क्या आंसर यस यस ओके अभी इश्यू आएगा किधर मिलेगा किधर मिलेगा नहीं थेरेपेटिक पॉकेट बुक बुक इज क्लियर चेस्ट एंड सेंसेशन परफेक्ट पहले उसको पार्ट्स पे जाएगा उसमें लोकेशन मिलेगा फिर मिलेगा क्या मिलेगा पेन मिलेगा डायरेक्शन डायरेक्शन मिलेगा अगर मोडलिटी है तो एग्रीवेशन भी है सो वेदर द स्टूडेंट इज एबल टू गेट दैट सिम्टम इन द थेरेपेटिक पॉकेट बुक ओके व्हाट हैव यू टॉट हिम एप्लीकेशन ऑफ यस वन व्हाट एल्स हैव यू टॉट हिम Construction and construction of the repertoire. Land construction. How will you think that the student has understood the philosophy of this book? Location, sensation, modality. So what is the philosophy of the book? Gratification. So you know you are teaching all this at one shot for a single syllabus. ये बच्चा दिमाग भी चलाता है क्योंकि कौन से चैप्टर में क्या देखना है वो पहले वो सोचेगा फिर वो एक्चुअली पन्ना घुमाएगा घुमाने के बाद वो तय करेगा कि ये मेरे पेशेंट को एप्लीकेबल है या नहीं है तो फिर मैं उसको ले लूंगा नाउ दिस इज अ प्रोसेस दैट कैन बी अडॉप्टेड विद अ सिंगल सिम्टम फॉर दैट वी डोंट हैव टू टीच कि थेरापेटिक पॉकेट बुक में सात सेक्शन है सात सेक्शन का ये है उसका मेन चैप्टर का हेडिंग ये होता है उसके रूब्रिक ये होते हैं उसकी दवाइयाँ इतनी है कोई कैसे इतनी दवाइयाँ नहीं इसके साथ मैंने पेपर छापा था यस मैम What I could get is that I think so what I do is I start with theory, पूरा थियोरी खत्म हो जाता है देन जब केस आते हैं कि अब मैं केस पढ़ाऊंगी आपको थेरापेटिक पॉकेट बुक से क्योंकि आपको थियोरी पढ़ानी है इंस्टेड आई लर्न टूडे वॉज दैट स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली द थियोरी इंस्टेड गो विथ द केस So what we used to do, start from the theory and go to the clinical and case part, how we can solve this case with help.
we can go the other way around. This is the take-home message that I gave you to you. एप्लीकेशन जब तक नहीं सकते ना बच्चे को तब तक बच्चा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं डालेगा. जब तक बच्चे को उसका रेलेवेंस नहीं समझेगा तब तक बच्चा उसको सोच में भी नहीं लेगा अपनी. तब तक वो किताब किताब रह जाएगी. आई वाज जस्ट डिस्क्राइबिंग टू यू कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अ पर्सनल सेट ऑफ थेरेप्यूटिक पॉकेट बुक कैन रेफर टू ए डीबीसीआर एंड ही गेव मी एन आंसर नहीं. क्यों नहीं? बिकॉज बच्चे को मालूम ही नहीं सारा वो किताब लेके सोने का है उसके ऊपर या उसको खोल के पढ़ने का है. और पढ़ू तो उससे क्या सीखूं? सीखूं तो इसका इस्तेमाल कैसे करूं? इस्तेमाल करूं तो ये बुक से करूं कि वो बुक से करूं? यू नो वी डोंट टीच अवर ब्रिंग ऑल दिस थिंग्स एंड देन यू मेक अ स्टेटमेंट एंड गिव इट अ पेपर कि भैया इसके एडिशन इतने थे, एलन ने इतने बनाए, रॉबर्ट का ये है, बोनी कसन का ये है, उसको तो रट्टा मार रहा है, वो एक बंदे में दे दो. चार पॉइंट तो है वो थेरेप्यूटिक पॉकेट में चैप्टर कितने कितने रेमेडीज और किसने कितने रेमेडीज लाया अंदर बाहर. उसके अलावा और क्या चीज है कि उसको रट्टा मारनी होगी. अरे एक बंदे का होगा बच्चा खुशी खुशी रट्टा मार दे जिसकी भाईवा ले लेके बैठो और उसका एप्लीकेशन बताओगे कैरी दैट बुक वन इज लाइफ टाइम एंड यू नॉट से कि इट्स अ यूजलेस बुक. Of course, today your software is far faster than that therapeutic pocket book. But as teacher, you have to teach it, no? आप तो बोल नहीं सकते ना यार, आप एक चिट्ठी लिखो और ऊपर वाले को बोल दो दिल्ली में कि भैया ये बुक अभी यूजलेस हो गई, इसको बंद कर दो, हम पढ़ाना खत्म गए, बच्चा सीखने से मतलब नहीं रखता है. सिंपल है, थेरापेटिक पॉकेट बुक हट गई, सबकी झंझट मिट गई. मगर वो झंझट है ना तो उसको मिस करना तो पड़ेगा. So let's try and do it in the best possible way. So we enjoy and the student enjoy, which is very, very important. You know what we are trying to do with all this? You know, from the first slide till this one that I've just showed in the video, you know, these are things that we have to teach our students. Communication skills is a very important thing. डॉक्टर साहब पेशेंट से कैसे बात करता है उससे केस टेकिंग चालू होती है, उसी से सिम्टम पैदा होता है, उसी सिम्टम से वो रूबरी पे जाता है, उसी रूबरी से दवाई पे जाता है. अगर मैं पेशेंट को बात न करूं, ढंग से बात न करूं, तो ढंग का सिम्टम ही ना पैदा कर पाऊं. कम्युनिकेशन हिस्ट्री टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ इट. प्रोफेशनल एटीट्यूड सो इम्पॉर्टेंट. ये वीडियो में भी दिखाया बार बार कि वो पेशेंट को जब डॉक्टर साहब मिलते हैं वो डॉक्टर साहब पेशेंट से कैसे बर्ताव करता है, वो पेशेंट डॉक्टर से कैसे बर्ताव करता है, वो स्टूडेंट डॉक्टर टीचर से कैसे बर्ताव करता है. यू नो ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर फॉर प्रोफेशनल एटीट्यूड अवेयरनेस ऑफ एथिकल बेसिस ऑफ हेल्थ केयर इट इज इंपॉर्टेंट. एथिक्स का अभी नेशनल होम्योपैथिक कमीशन में तो बोर्ड बन गया है तो आपने को तो सीखना ही पड़ेगा कि हम होम्योपैथी में एथिक्स का क्या लेना देना. इट इज सो इम्पॉर्टेंट. देयर इज एन इश्यू ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन व्हिच वी जस्ट ट्राइड एंड डेमोंस्ट्रेटेड एंड देयर आर प्रोसीजरल स्किल्स. यू नो दीज आर एडिशनल स्किल्स दैट कम अप एंड एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. एवरीथिंग यू कैन कन्वर्ट इनटू अ सिम्टम इफ यू वॉन्ट टू. एवरी सिम्टम कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अ रूब्रिक एंड एवरी रूब्रिक कैन थ्रो यू सम रेमेडीज. You know, if you want to have a cardiac chest pain and if you want to use Murphy's repertory, go to heart, get myocardial infarction. You have the rubric there waiting for you. But you should know that I should use Murphy for that. And in therapeutic pocketbook, there is no word as infarction. Now, this is something as serious as that carries great value in our process. यू नो क्लिनिकल थिंकिंग वी जस्ट इलैबोरेटेड कि अगर एक नाखून देखता है तीन लोग सोचते हैं तो तीनों सोचो तीनों थॉट्स को लॉजिकली एंड पे कैसे लेके जा सकते हैं. एंड ऑफ द डे दिस इज वेयर वी विल कम डाउन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. यू नो एंड ऑफ द डे जिस तरह से मैंने होम्योपैथिक रेपर्टरी खोली और आज जिस तरह से मैं उसको सिखा रहा हूँ जमीन आसमान का फर्क हो गया. मेरे टीचर ने मेरे को चोपड़ा खोल खोल के सिखाया,
आज का बच्चा लैपटॉप कोई नहीं सिखाता, लैपटॉप पर तो छोड़ दो, वो सारा मोबाइल पे आ गया, मोबाइल के बाद कहाँ जाएगा भगवान मालिक। अगर मास्टर को ही मालूम नहीं कि टेक्नोलॉजी मेरे रेपर्टरी को कहाँ से कहाँ लेके गई, वो बच्चा तो वेरियस आई डोंट नो सॉफ्टवेयर सर नॉट अ पार्ट ऑफ द यूजी प्रोग्राम आई डोंट नो देर आर सो मेनी एक्सपर्ट सिस्टम इन दैट सॉफ्टवेयर। अभी वो एक्सपर्ट सिस्टम का लेके मैं क्या करूँ, अगर मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया होगा मुझे मालूम ही नहीं होगा। वो बच्चा तो लेके बैठा है ना उसके हाथ में, और बच्चा शायद उसमें मास्टरी पा चुका होगा यूज कर करके, भले कुछ भी करता होगा मगर वो तो सीख तो गया होगा, इधर क्लिक करो तो ये आता है, इधर क्लिक करो तो वो आता है, उधर क्लिक करो तो ये आता है, यूरे का ये रेमेडी आ जाती है। मास्टर बोलते कैसे लेके आया, कभी दबाया नहीं पड़ो क्योंकि वो चीज ही मेरे पास नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड एंड सीरियसली गोइंग टू चेंज द वे वी आर गोइंग टू टीच रेपर्टरी, ग्रॉसली गोइंग टू चेंज। हम लोग आज तक, आप लोग का पता नहीं आज तक तुम्हारे सॉफ्टवेयर कितने हैं, 5 है सर, कहाँ है सर, ये कंप्यूटर में है। कोई मेरे हिसाब से आप तक पूछा नहीं होगा कि भैया आपके 500 केसेस रिकॉर्डेड है क्या, उसमें उस सॉफ्टवेयर में अप्लाई हुए हैं क्या, वो करने के बाद आपने बच्चों ने क्या सीखा, उसका कुछ बनाया क्या चिट्ठा। आई एम श्योर नो वन वुड हैव आस्क्ड but they will definitely ask you and they will say your college will not be granted permission because you have got 4 softwares and you don't have 5. Are yaar ek software nahi ho to kya mujhe guna hai, yes it's a big guna, guna hai bahut bada guna ho gaya hai, usko khatam kar dalo, baat hi nahi karne ka sunne ka, but the purpose is how to use that software and how it is useful for my student and whether me and my student we both learn from that tool is a very important thing which we all should now think of, is what I have come to a conclusion now, and therefore this is something that is strongly recommended. Please start thinking a little differently. We may have done the same thing for so many times in the past, so many years, but let's try to think differently and maybe change for good. So there are a huge amount of references that are there. I'm sure this slideshow will be given to the participants. Yeah, so you don't have to worry. Please don't take photographs. We'll stop for me. But please go and read these links. Yes. From where I have created this PowerPoint. And I'm sure you will enjoy this whole effort. You know, this is where I come to the conclusion of my session. And this is what I believe very, very strongly. The role of the teacher is frequently undervalued, and yet teaching is potentially rewarding and enjoyable. It's a potential, keep mind that way. It is also one of the defining features of a profession. Without teaching to ensure the transmission of knowledge, medicine becomes just another job. So I request you all, just let it not be your job teaching and start doing something very different. I'm sure you will come back. If there are any questions, if anyone desires to ask, I invite you to answer, I will answer. Regarding teaching and regarding problem based learning with a very much interactive session, I think so. And the way you teach us, the way we have done the drama and we have done the live session, it was definitely very, very much knowledgeable and very much learning. Thank you, sir. I would like to request Dr. Kinjal to come here and say a vote of thanks for today.
मी फ्रॉम श्री शामलाजी आरोग्य सेवा ट्रस्ट फील ऑनर्ड एंड प्रिविलेज टू वेलकम अवर रिस्पेक्टेड स्पीकर डॉक्टर अनूप निगवेकर सर. And we would like to show our deep gratitude to sir for accepting our invitation and coming over here. And sir, I am sure that the way you have taught us to how to teach the repertory will enhance the knowledge of our student, and also it will make the repertory, which is known as a dry subject, to the interesting. And students will show their interest in this subject and will apply the repertory on their patients, and it will help them into their practice. And thank you so much, sir, for that. And I also like to thank our delegates to give their valuable time and make this session interesting by asking the, their questions and applying their knowledge to this also. So I would like to lastly, I would like to thank Dr. Vishal Soni sir for giving us the opportunity to learn these various things related to learning and teaching process in the homely environment of our college. Thank you so much. Thank you, Dr. Kinjal. Sir.